आज हम लोग अब की बार सीटेट पार्क की सीरीज में एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जहाँ पे 300 प्रश्नों की एक बड़ी सीरीज होगी। अगर आप इस सीरीज को अंत तक देखते हैं तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू आ जाएंगे, और फिर ये आखिरी 300 प्रश्नों की सीरीज होगी जो आपके लिए सबसे बड़ी होगी। ये फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश और यूट्यूब चैनल इलेनी बी दुर्गेश पर मैं एज ए गेस्ट के रूप में निःशुल्क आपको यह पढ़ाने के लिए आया हूँ, ताकि मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने बचे हुए समय में कुछ ऐसा कर जाऊँ ताकि हजारों लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य बेहतर हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए अब हम इस क्लास में जुड़ते ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ इस क्लास को आपके भविष्य के साथ जोड़ते हुए लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे और अपने जीवन का आपके साथ मिलकर बेस्ट देंगे। कर हर हर मैदान फतेह। तो चलिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, ये 300 प्रश्नों की एक बहुत ही बड़ी सीरीज है जहां से आपके परीक्षा में हूबहू प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी क्लास आज तेज चलेगी, क्योंकि आपको 300 प्रश्न टच करने हैं, 300 प्रश्नों तक पूरा पहुंचना है। तो 300 प्रश्नों की गौरव गाथा तब तक नहीं खत्म हो पाएगी जब तक आपका साथ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है आपको अपना साथ ही नहीं बल्कि कॉपी कलम भी लेकर बैठना पड़ेगा। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, जैसा कि मैं भी देख पा रहा हूं। पहला प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसे कर सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, देखिए महान व्यक्तियों के बारे अनुशासित करके नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे अनुशासन जो है वह सीटेट में, चाहे एनसीएफ 2005 की बात करें, चाहे वीपीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट, चाहे सुपर टेट, रीट की, तो आप हमेशा ही बात याद रखिएगा, सभी लोग जितने भी साथी वीडियो को निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, अनुशासन नहीं करना है, मैंने आदर्श रूप में बर्ताव कर, मैंने इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह ये होगा आदर्श रूप में बर्ताव कर। यही रात अंतिम, यही रात भारी। एक शिक्षक बच्चों में सामाजिक और नैतिक मूल्य को विकास तब कर सकता है यदि विकसित करे स्वयं के व्यवहार में उन गुणों का समावेशन करें, जैसा कि एनसीएफ 2005 कहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को भी ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और फिर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर दूसरा आपको दिख रहा होगा, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा, देखते हैं सबसे सही उत्तर कौन देता है। अब की बात टेट पार की सीरीज आपके सामने है जो लाइव चल रही है, तो जल्दी से मेरे प्यारे शिक्षक साथियों जवाब दीजिएगा और लगे रहिएगा अपने उस अंतिम लक्ष्य की तरफ जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए भैया, जवाब दीजिए, क्योंकि अभी तो आपने शुरुआत की है और यही तो चलिए आइए हम यहाँ पर कुछ चीजें को देखते हैं, तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा स्पीयर मैन ने, एकदम सही बताया आप लोगों ने, स्पीयर मैन बुद्धि के द्वितत्वी या द्विखंड का सिद्धांत स्पीयर मैन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं, बौद्धिक योग्यता के दो वर्गों में बांटा गया, सामान्य या विशेष तत्व की योग्यता। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ठीक, अगला ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको भी दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 3, गिलफोर्ड की बौद्धिक संरचना के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी प्रकार की बौद्धिक क्षमता रख सकता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं निःशुल्क इलेनी बी दुर्गेश पर। आज की रात एक बड़ी सीरीज आपके साथ लाइव चल रही है जिसका उद्देश्य है आपको हर हाल में सिलेक्शन के नजदीक ले चलना। तो जल्दी से कमेंट करके फटाफट जवाब दीजिएगा, देखते हैं सबसे ज्यादा प्रश्न का उत्तर कौन देता है, क्योंकि यह सीरीज आपके जीवन में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाने जा रही है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 120 होगा, ध्यान से देखिएगा। गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि संरचना प्रतिमान होता है, संरचना प्रतिमान के 3 आयाम होते हैं, फर्स्ट 5 उत्पाद, 6 विषय वस्तु, 4 योग्यताएं आती हैं, इसमें समस्त योग्यताओं के गुणनफल से योग्यताएं बनती है। 6 × 4 × 5 = 120, अर्थात योग्यताओं की क्षमता कितनी होती है, 5 × 6 × 4 = 120। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर 120 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर होगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर क्या है? जल्दी से कमेंट कर जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कर हर हर मैदान फतेह, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए जी हाँ,
यहां पर ए और बी दोनों जहां पे देता है, लेकिन मैंने बताया था इसको ध्यान दीजिएगा कि ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर मूल्यांकन होता है, क्या होता है, मूल्यांकन होता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन है, जिसके सर्वोच्च स्तर पर मूल्यांकन होता है। ऐसे तो देखा जाए ज्ञान का बोध है, अनुप्रयोग विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है, लेकिन सर्वोच्च की बात कर रहा है, सर्वोच्च स्तर की बात कर रहा है, तब इसका उत्तर जो होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, बाल केंद्र शिक्षा में शामिल है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, बाल शिक्षा केंद्र बाल केंद्र शिक्षा में शामिल है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बाल केंद्र शिक्षा में शामिल है। देखिए, बच्चों को कोने में बैठाना गलत, प्रतिबंधित प्रवेश अधिगम गलत, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते गलत, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये कौन कहता है, ये कहता है एनसीएफ 2005। कौन कहता है एनसीएफ 2005 कहता है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपको आवाज साफ दिख रही है, वीडियो साफ चल रहा है, तो यहां पर तीन डॉट विंडो पर क्लिक करिएगा और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो पूरा एचडी में आपको मिलेगा। जी हां, चाहे इसे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जहां भी सुन रहे हैं आप, क्लियर हुआ। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस का एक लक्षण है। हाँ, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी कम होगी तो बढ़ा लीजिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, जवाब देते रहिएगा सभी साथी। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, यह क्लास बहुत ही लंबी होगी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी जवाब दीजिए। देखिए, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता कमी किसका लक्षण, इसके पिछली क्लास हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, वह है डिसग्राफिया। क्या होगा, डिसग्राफिया लिखने संबंधित असक्षता है, इसमें अक्षमता आती है, डिसग्राफिया ये लेखन संबंधित है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें लिखावट ठीक से नहीं हो पाती। अब आप लोग बताइएगा डिसलेक्सिया किस लिए होती है, डिसकैलकुलिया किसके लिए होती है, इन दोनों का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से देना है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से कमेंट करिएगा, अब की बार टेट पार की सीरीज में आप हमारे साथ लाइव है निःशुल्क कल्याणी मित्र गेस्ट पर, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस एक के प्राथमिक शिक्षक से पहले महत्वपूर्ण गुण है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, जवाब दीजिएगा जल्दी से, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जवाब दीजिए जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जितने लोगों ने लाइक नहीं की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 7 आप देख रहे हैं, धैर्य और लगन, कैसे शिक्षण विधि की क्षमता, विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषाओं पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता दी नहीं, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी होगा, ये पूरा सीटेट का है। जी हाँ, पढ़ने के लिए डिसलेक्सिया सही जवाब है। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा धैर्य और लगन, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो धैर्य और लगन होता है, इस प्रश्न का उत्तर ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, एक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना यह गलत, कक्षा में समानुवर्ती होना गलत, हमने बताया ना सारणीबद्ध नहीं करना है, एक सुक्ता होना जी नहीं, शिक्षार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा शीर्ष का राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। अच्छा थोड़ा आराम से बोले, क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है आराम से करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, हाँ क्वेश्चन काफी ज्यादा है, ठीक है इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के विकास के सिद्धांत, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, जल्दी से कमेंट करिएगा प्रश्न नंबर 9, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, क्या जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए ध्यान देखिएगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करना, सामाजिक स्तर को पहचानना, आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानना, क्या पढ़ाना चाहिए उचित स्थान है नहीं, ए और बी में क्या सही है। जी हाँ, ए इसका सही है, माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, माने ए वालों का राइट आंसर होगा। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा
अगला है, शायद आपको दिख रहा होगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। जल्दी से कमेंट करिएगा, दिए गए प्रश्न का जवाब देते रहिएगा, चाहे आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे कहीं भी निःशुल्क लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आपने अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद शेयर करिएगा, पैसे नहीं कटेंगे। जिसको साफ नहीं चल रहा है वो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेगा, HD कर लेगा, 360 पे या 720 पे वीडियो एकदम साफ और HD चलेगा, क्लियर एकदम, ठीक है। देखिए 300 प्रश्न थोड़ा तेजी से पढ़ना होगा, यहाँ पर क्या होगा उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में शामिल होने वाली चर्चा में शामिल करें। इसलिए प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापक को चाहिए उसके बारे में ज्यादा ज्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास करें, कक्षा में होने वाली चर्चाओं में उसे भी शामिल करें, यह बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वैश्य या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी यार शेयर कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, यहां पे एक प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, जी सहारा देना, एकदम आसान, एकदम हलुआ, सीटेट के लिए, जूनियर प्राइमरी के लिए महागाथा सीरीज है, चाहे एमपीटेट, रीट, यूपीटेट, सुपरटेट कहीं भी पढ़ रहे हो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी भी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वो वैश्य या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को कहते हैं सहारा देना, मतलब इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्लियर हुआ। हम आगे बढ़ रहे हैं, 300 प्रश्न की सीरीज है, पूरा 300 प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे, चाहे रात के 2-3 बज जाए। अधिगम के प्रकार में अभिप्रेरण है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, सभी लोग बताइए, स्क्रीन जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले, यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी एकदम बढ़ा ले, एकदम लाइव ध्यान से वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, यहां से ध्यान से दिखिएगा आप लोग सभी साथी, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है, यहाँ पे इस प्रश्न का सभी उत्तर क्या होगा, सीखने वाले स्मृति तेज बनाता है, जी नहीं, पुराने अधिगम से नए अधिगम विभेद करता है, जी नहीं, एक दिशी रूप में सोचने में सीखने प्रस्तुत करता है, जी नहीं, नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, एकदम सही बात, देख रहे हैं लगातार डी सही हो रहा है, तो डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, डी माने कुत्ता, कुत्ता माने किसका, कुत्ते पर अपना प्रयोग किसने किया था, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यहां पर यह होगा, अधिगम प्रक्रिया में निरस्तता को दूर करने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना सबसे उचित रहता है, इन प्रेरणाओं की सहायता से एक शिक्षक जो होता है बच्चों में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा डी होगा। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहिएगा, ये 300 प्रश्नों की सीरीज होगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जी हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं। आज निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा, ध्यान दीजिएगा, जब शिक्षक बच्चों की बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए ऐसा है नहीं, जब बच्चे कक्षा में अच्छे अंक लाए ऐसा है नहीं, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ाया जाए ऐसा है नहीं, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए, सीटेट पार होना है तो बच्चे की भावनाओं को ही सम्मान करना होगा, बच्चे को ही आदर्श मानना होगा, बाल केंद्र शिक्षा के माध्यम से मानकर ही सीटेट की नैया पार लगनी है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ए फॉर एप्पल। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, अच्छी स्मृति का गुण क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा, प्रश्न नंबर 14 जवाब दीजिएगा, सभी लोग तेजी से जवाब दीजिएगा, तेजी शेयर करिएगा, जल्दी से जवाब देते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, सभी लोग फटाफट देखिएगा, उपयोगिता, शीघ्र विस्मरण ऐसा है नहीं, शीघ्र अधिगम, अच्छी स्मृति का मतलब है शीघ्र अधिगम, आज पढ़िए सीटेट को मार दीजिए। यहां पर क्या होगा, ध्यान से एकदम समझिएगा, किसी बालक में अच्छी स्मृति का प्रमुख गुण है, किसी बालक किसी व्यक्ति में अच्छी स्मृति का सबसे प्रमुख गुण होता है शीघ्र अधिगम, उत्तर धारण शक्ति, पुनः स्मरण, पहचान, अनावश्यक बातों को भूलना आदि। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए होगा, जी हाँ साथियों ए। अगला प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है, सीखने की प्रक्रिया, सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 15,
प्रश्न नंबर 15 है, सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, क्या हो सकता है, सकारात्मक नकारात्मक शून्य सभी। जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैंने आपको बताया है जब सीटेट बच्चा पास तो हम पास, सही बात ध्यान दीजिएगा, जहां पर ये सभी आ जाए सीटेट में 80% सही होता है, इसलिए हम भी मारते हैं ये सभी। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, कैसे, जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 3 स्थानांतरण सकारात्मक नकारात्मक शून्य बताए हैं, सकारात्मक नकारात्मक शून्य बताए हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज इसे सभी होगा। 15 का डी, आंख मूंद कर मारिए ये सभी आ जाए, 80% गोला सही। अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तब, जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे कहते हैं, इसमें से कोई नहीं गलत, क्योंकि ये 20% ही केवल सही होता है, ये हमेशा क्या होता है 20% ही सही होता है। जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे कहते हैं सीखने का वक्र, न समझना सीखने का पठार। कमेंट करिए जल्दी से, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। 300 प्रश्नों की सीरीज आपके लाइव लर्निंग में दुर्गेश पर चल रही है। जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, उसे सीखने का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सीखने का पठार कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब हम किसी कार्य या कौशल को सीखते हैं तो कुछ समय तक उसमें पर्याप्त सफलता मिलती है और सिर्फ जल्दी तीव्र गति से चलती है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा अवसर आता है जब सीखने का क्रिया उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इस प्रकार को हम सीखने का पठार कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अब की बार सीटेट पार, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं। आज इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। जी अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगे रहिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों की सामान्यतः होते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। शारीरिक रूप से असक्षम बालक सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं? जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी, जल्दी जवाब दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। मैंने ऊपर इसके बारे में बताया था। देखिए ये होगा डिसग्राफिया, ये राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर होगा। डिसकैलकुलिया किससे है? ये गलती है। डिस्थीपिया, डिसलेक्विया, इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। हाँ भैया गलती मत करिए, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। जी हाँ, क्या चीज? दुर्घटना से देर भली, तो गलती काहे करते हैं मालिका, सी होगा। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम किसने दिए? जल्दी से कमेंट करिएगा, सीखने का नियम किसने दिया? जल्दी कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, लगे रहिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं। ठीक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं, बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए सीखने का जो नियम दिया है ना, वो क्या है? वो थंडाइक ने दिया है। जी हाँ, बिलरा वाला नियम किसका है? थंडाइक का। जी हाँ, बिलरा वाला किसका है? कुकुरा वाला किसका है? पावलाव का, मुसो वाला के कर, स्किनर का। ठीक है, कबूतरा वाला किसका है? तो ये याद रखिएगा इसे, कि बिलरा वाला किसका है? थंडाइक का है। तो थंडाइक ने क्या कहा था? कि उन्होंने सीखने का नियम दिया था, सीखने का मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सीखने में सहायक नियम, मनोवृत्त का नियम, तत्प्रभुता का नियम, बहुन क्रिया का नियम, सदृशता का नियम, साचारात्मक स्थानांतरण का नियम। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो भैया बिलरा वाला कौन है? ठंडाई। कुकुरा वाला पावलाव, मुसवा वाला स्कीनर, कबूतरा वाला बनरा वाला मतलब सुल्ताना। ठीक है, चलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है, सभी लोग बताइए प्रश्न नंबर 19। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है, जवाब दीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा भैया, जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी, फटाफट कमेंट करके बताइएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये सभी, जैसे सीटेट की परीक्षा में ये सभी आ जाए, 80% मार दिया करिए। जी हाँ, तुरंत मारिए चाकू उसको, लगाइए ताला डी पर, ये सभी
या होगा लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, जहां पे ये सभी आ जाए आंख मूंद के मरिएगा, ये सभी 80% सही हो जाएगा। लिंग भेद, शारीरिक रचना, देखिए स्कीनर, ये व्यक्तिगत जो भिन्नता था स्कीनर का विचार था कि पहलू जिसमें मापन हो सके, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता आदि प्रमुख होते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न नंबर 20, 300 प्रश्न होगा भैया आज की सीरीज में, 300 टॉप 300 प्रश्न होंगे। देखिए नैदानिक परीक्षण के द्वारा ज्ञात की जाती है छात्रों की, जिसकी वीडियो साफ नहीं चली हो वह यहाँ पे तीन डॉट बिंदु क्लिक करके वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले, एकदम वीडियो एचडी में चलेगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, नैदानिक परीक्षण के द्वारा ज्ञात की जाती है छात्रों की, फटाफट कमेंट करिएगा। योग्यता नहीं, रुचियां नहीं, क्षमताएं नहीं, सीटेट में जो बड़का उत्तर वही लगा दीजिए। जब सीटेट में उत्तर नहीं आए तो बड़का उत्तर को गोला कर दीजिएगा, फिर क्या होगा, कठिनाई और कमजोरी। हमने देखा नैदानिक परीक्षण के द्वारा छात्रों को, बच्चों को कमजोरियों कठिनाइयों का मूल्यांकन किया जाता है, रेमेडिया परीक्षण द्वारा दूर किया जाता है। रेमेडिया लिख लीजिएगा, रेमेडिया परीक्षण के द्वारा दूर किया जाता है। जी हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं। अब की बार सीटेट पार, 30 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के को बढ़ावा देता है। यार जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है लाइक करने के बाद सभी साथियों को शेयर करिएगा, पैसे नहीं कटेंगे, आज की क्लास ऐतिहासिक होगी। 300 प्रश्न है, रात अपनी होती है कर हर हर मैदान फतह, वीडियो को शेयर लाइक करने का पैसा नहीं कटेगा, विद्या में कसम है, लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिएगा। देखिए एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को मध्य बढ़ावा देता है, किसकी बढ़ावा देता है सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, एकदम आसान है। तटस्थता की भावना, प्रतिद्वंदता की भावना, प्रतियोगिता जी नहीं, सहयोग की भावना। कौन कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों के अंदर सहयोग की भावना हो, लोकतांत्रिक मन की भावना जागे, ये सारा बात कौन कहता है, ये एनसीएफ 2005 कहता है। इसकी सहयोग की भावना होगा, इस प्रश्न का क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ध्यान से देखिएगा, एक परीक्षण यदि वही मापन करता है जिसका मापन उसे करना चाहिए वो क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी हो, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 22, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं, जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके, क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट। देखिए यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, बी और सी की बात करें, अगर हम बी और सी की बात करें तो ये परीक्षण के प्रकार है, और अगर ए की बात करें, एक तो एक क्या है, ये विश्वसनीय परीक्षण, वह परीक्षण है जिसे हम बार बार प्रशासित करने का एक ही परिणाम है, इस प्रकार इसका उत्तर होगा एक वैध परीक्षण होगा जिसका परिणाम बार बार वही है, इसलिए प्रश्न का उत्तर डी होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। जिन साथियों ने इसका उत्तर डी बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा है, एक छोटा सा सवाल आपके सामने है, व्यक्तिगत भिन्नता, सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग है, में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है, यह कथन किसका है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। मुसवा, मुसवा वाला, कबूतरा वाला, देखिए स्कीनर का होगा, क्या होगा, स्कीनर का होगा। ध्यान दीजिएगा, स्कीनर ने कहा था, आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसकी माप की जा सकती है, 20 का राइट आंसर। अगला है, थार्नडाइक ने प्रतिपादन किया था, कमेंट करिएगा, थार्नडाइक, बिलरा, बिलिया वाला, म्याऊ म्याऊ, बताइएगा थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया था, क्या किया था, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताया मैंने 20% सही होता है। अब बताइए क्या किया था, अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बनरा वाला किसने दिया था, कमेंट करके बताइएगा, सीखने प्रयास तुरी का सिद्धांत, इस प्रश्न का राइट आंसर है। मतलब जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है वो सब को मेरी तरफ से सलाम है, क्योंकि अब की बार सीटेट पार है। यार वीडियो को लाइक करिएगा, पैसा नहीं कटेगा यार, इतनी मेहनत से हम पढ़ाएंगे, 300 प्रश्न की सीरीज पढ़ाएंगे, चाहे रात के 2 ही क्यों ना बच जाएं, बस इतनी मदद करिए, लाइक का बटन दबाइए और फिर लग जाइए केवल पढ़ने में। जितने लोग लाइक का बटन दबाएंगे ना उतने गोला आपके काला हो जाएंगे, गलत वाले भी गोला सही हो जाएंगे। बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सबसे सत्य कथन कौन सा है, कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 25, एकदम हलवा वाला प्रश्न है, उपयुक्त में से कोई नहीं काट दीजिएगा, जहां भी आ जाए उपयुक्त में से कोई नहीं पहले कट मार दिया गया। जिसको वीडियो साफ नहीं देख रहा है वीडियो को यहाँ पे क्या करे, वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले। अब यहाँ पे देखिएगा, विकास के सिर, विकास सिर से पैर की ओर होता है,
यहाँ पे प्रश्न आया है, यही तो सही है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की तरफ होता है, मध्य भाग में होता है। अरे हलवा प्रश्न है, इसका राइट आंसर है, इस प्रश्न का सही जवाब है। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, दिखा। चलिए प्रश्न नंबर 26, विद्यालय किस प्रकार की शिक्षा का साधन है। एकदम हलवा, सारा प्रश्न एनसीईआरटी का खेल है। एनसीईआरटी अंतिम दर्शन क्लास है आपकी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही में इतिहास बचाइए, इसमें शिक्षण भी है। ये 75 नंबर की क्लास आज आपकी है, 75 नंबर की। जल्दी बताइएगा, विद्यालय किस प्रकार की शिक्षा का साधन है, प्रश्न नंबर 26। भैया यहाँ पे प्रतिकूल हो नहीं सकता, अरे औपचारिक है। जी हाँ, जितने लोगों ने मारा उन सबका बहुत ही सही जवाब था। एक क्या होगा, विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन है, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण से सामाजिक समूह अथवा संगठन है, जिसका निर्माण कोई समाज सोच समझकर शिक्षा के लिए करता है, इसलिए है। 27 नंबर, किसने कहा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, किसने कहा था द्विमुखी और किसने त्रिमुखी कहा था। त्रिमुखी किसने कहा था भैया, त्रिमुखी वाले का नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। त्रिमुखी किसने कहा था, द्विमुखी किसने कहा था, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, 300 प्रश्नों की सीरीज होगी। त्रिमुखी किस, देखिए द्विमुखी किसने कहा था, तो द्विमुखी किसने कहा था भैया, एडम्स ने कहा था द्विमुखी। और अगर त्रिमुखी की बात की जाए तो जॉन डीवी, यहां पे कौन था, जॉन डीवी ने त्रिमुखी कहा था। एक प्रश्न आपका यहां भी तैयार और एक प्रश्न आपका यहां, दो प्रश्न आपका तैयार हो गया। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं। आज इसका उत्तर क्या होगा, 27 का सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करिए बताइएगा। 28 नंबर में क्या करेंगे आप, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ऐसा नहीं, एनसीईआरटी 2005 पटक के मारेगा। एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है, पटक के मारेगा, कहेगा बच्चों को मारना नहीं है, अगर बच्चा को मार देंगे सीटेट फेल हो जाएंगे, कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ऐसा कहेंगे तो सीटेट भगा देगा, उन्हें चेतावनी देंगे अवश्य अध्ययन करें। अरे नहीं नहीं, उन्हें रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार क्या कहेंगे, उनकी रुचिपूर्ण बनाएंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सीटेट आपको क्या करेगा, मार के भगा देगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी फॉर कुत्ता, कुत्ता माने पावलाव, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न की तरफ, लगे रहिए। जिसको साफ नहीं दिख रहा वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले, मैं बार बार कह रहा हूं, एकदम HD चल रहा है, हम भी आपके साथ पढ़ रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है तो मैं छोटा कर दे रहा हूं। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पात्मक प्रति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, कौन सी प्रक्रिया विद्यालय परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग एक उपशामक उपाय, ताकि लोग अपने आरामदायक महसूस कर सकें, गलत, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु तो लोगों में आत्मविश्वास निर्माण करें, सही, विद्यार्थी भविष्य विकल्प चुनने तो अच्छा संभव दिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बीस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बीस का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ने अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है, पाठ्यक्रम से भाव है क्या है, जल्दी कमेंट करिएगा। पाठ्यक्रम से भाव है, पूरा एकदम सिलेबस के अनुसार है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे, लोगों तक पहुंचाइए, यकीन मानिए अच्छा से बाहर निकलेंगे, याद करेंगे। अभी तो 30 प्रश्न हुआ है, 300 प्रश्न हमें करने हैं आज, अभी तो केवल 10% प्रश्न हल हुआ है, अभी 90% शेष है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। देखिए पाठ्यक्रम से भाव है क्या है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए विद्यार्थी द्वारा स्कूल से प्राप्त सभी अनुभव को हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, एनसीएफ 2005 अगर आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अंतिम दर्शन है सीटेट का, आज पढ़ लीजिए, अंतिम दर्शन है, इसका राइट आंसर होगा। अरे सभी ज्ञान जो होते हैं वे सभी, जैसे मैं पूछूं गाली देना कहां से सीखा था आपने, तो आप कहेंगे सर समाज से। गाली कहां सीखा था आपने, समाज से, तो वहां पे तो भी तो आपने सीखा था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग जानते रहे, नहीं तो गलती अगर आप करेंगे तो भैया खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगला है आपके सामने प्रश्न नंबर 31, जल्दी से कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा।
जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 क्या होगा? निगमात्मक यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अधिगम प्रसिद्धियों को उपलब्ध कराना। जी हाँ, सभी को ज्यादा ज्यादा उपलब्ध कराना। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, शिक्षार्थियों की व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की अधिगम प्रसिद्धियों को उपलब्ध कराना डी प्रश्न का राइट आंसर। कर हर हर मैदान फतेह। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा वंशान क्रम नियम नहीं है? यहाँ पे नहीं वाला ध्यान दीजिएगा, सीटेट में इसको गोली मारिएगा, नहीं तो सीटेट आपको ना खा जाएगा। जल्दी बताओ एक बार उत्तर का हो, शेयर कर दे यार, पैसा न लगी, शेयर कर सबके। आखिरी वीडियो के बाद कुछ मत देखे, उसके बाद सीधा परीक्षा हाल में घुस जाए। कौन सा वंशान क्रम का नियम नहीं है? जल्दी जवाब दीजिएगा भैया। समानता है, भिन्नता है, प्रत्यागम अभिप्रेरणा नहीं है। ये तो हम आपको दे रहे हैं ना, अभी की बार सीटेट पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत तो होता है। इसलिए जो गलत है वही सही है, यहाँ पे डी का होगा, क्योंकि ये नकारात्मक प्रश्न है। कैसा है ये? नकारात्मक प्रश्न है, समझ में आया? आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तीन है और एक नहीं है, जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। एक अच्छे परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? पहला लिख लीजिएगा भैया, वैधता है, रट लीजिएगा। दूसरा वस्तु निष्ठा, तीसरा विश्वसनीयता, ठीक है, चौथा संतुलन, पांचवा विशिष्टता, छठा विभेदकता, विभेदकता, सातवां न्यायमुक्ता, आठवां व्यवहारिकता, नौवां अस्पष्ट शब्दों का उपयोग, दसवां संतुलन, ठीक है, ये था। इसमें से कौन सा अच्छी विशेषता नहीं है तो बताइए, इसका उत्तर आपको पता हो गया, व्यक्तिनिष्ठता, या इसका नहीं है और यही इसका उत्तर सही है। ये है, ये है, ये है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे? बी फॉर बॉ, ठीक है। ये क्या होगा? बीस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए यार, आप लोग 10-10 लोग को शेयर करेंगे, 10,000 से ज्यादा लोग देखेंगे, पैसा नहीं कटेगा यार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? नहीं है वाला प्रश्न रट्टा मारिए, नहीं है को गोला करिएगा। नहीं है माने जो गलत है वो सही है, जिसको साफ नहीं दिख रहा है वीडियो को क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले तीन डॉट विंडो पर क्लिक करके। बताइए कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं, जब बताइए, शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन है, अधिगम है, शिक्षण अनुभव इसके अंतर्गत नहीं आता। जो गलत है वही क्या है? सही है। क्यों? शिक्षण अनुभव को छोड़कर मूल्यांकन त्रिकोण भाग के शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अधिगम, अनुभव आता है। क्लियर? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, जो गलत है वही सी, क्योंकि यहां पे नहीं पूछा है। तीन है और एक नहीं है, ठीक। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि आधारित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर है? जल्दी जल्दी पूछिएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके भैया। निम्न कक्षाओं में कैसी है? देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांत पर है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर है, जरा कमेंट करिएगा आप लोग, आवाज साफ आ रही है नहीं आ रही, जरा कमेंट करिए जल्दी जल्दी, जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कर बताइएगा कि आवाज साफ आ रही है। देखिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, जरा एक बार वीडियो को देख लीजिए, एक बार जो वीडियो को देख रहे हैं एक बार जरा कमेंट करके बताएं कि वीडियो साफ चल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? जरा कमेंट कर बताएं, वीडियो साफ चल रहा है ना? साफ आ रही वीडियो, आवाज साफ आ रही है, आप साफ आ रही है ना? चलिए, यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दो खंड सिद्धांत के अनुसार दो तत्व होते हैं, क्या होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा, जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। यार आप लोग तुरंत भाग जाते हैं क्या? जैसे ही नेटवर्क कटा नहीं आप तुरंत गायब हो लेते हैं। बताइए, दो खंड सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं कौन कौन? जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, दो खंड अगर हम बात करेंगे तो होगा जी एवं यस। कैसे होगा?
जहां पे जी माने जनरल एबिलिटी फैक्टर होगा, जी माने क्या होगा, जनरल एबिलिटी फैक्टर, एबिलिटी फैक्टर होगा जी माने। अगर हम यश माने की बात करें तो स्पेसिफिकेबिलिटी, स्पेसिफिकेबिलिटी फैक्टर होगा। ये क्या होगा, ये बुद्धि के द्वि तत्वी या द्विखंड सिद्धांत प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। कौन थे, स्पीयरमैन थे, स्पीयरमैन थे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सैंपट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। जी हाँ, ये पूरा 75 नंबर है, ये पूरी जड़ी बूटी वाली क्लास है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। सभी लोग बताइए, सैंपट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर भूमुक्त किया जा सकता है, जल्दी से कमेंट कर बताइए। प्रश्न नंबर 37, श्रव्य साधन नहीं होता भैया, दृश्य श्रव्य होता नहीं, केवल दिखाई देता है, ये केवल दिखाई देता है। 20 का राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी, केवल सैंपट हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, एकदम साफ वीडियो चल रहा है यार, HD में एकदम हमें दिख रहा है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। नहीं है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, नहीं घबराइएगा मत, नहीं है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, नहीं है। मतलब सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, नहीं है, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, पैसा नहीं कटेगा। देखिए, समस्या समाधान क्या है, अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रतिरूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अंतर्दृष्टि होगा। अंतर्दृष्टि एक सामान्य संबंध किसी विशेष विषय वस्तु के संबंध में किसी विशेष कारण प्रभाव को समझने से है। समस्या समाधान को यह किसी प्रकार से बाधित नहीं करता, ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंतर्दृष्टि। सबका सही हो रहा है ना, तो सबको शेयर कर दीजिए भैया, सही हो रहा है तो। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत थंडाइक से वही संबंध है जो क्रिस्टल से है, जवाब दीजिएगा क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। बुद्धि के बहु तत्व या असत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक थंडाइक महोदय ने किया था, तरल क्रिस्टल सिद्धांत का प्रतिपादक कैटल महोदय ने किया था, किसने, कैटल महोदय ने किया था, ध्यान दीजिएगा, बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थंडाइक महोदय ने किया था, लेकिन क्रिस्टल सिद्धांत का प्रतिपादन कैटल महोदय ने किया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ठीक ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। यार ये 300 प्रश्न की प्रश्न बैंक है, 300 प्रश्नों की प्रश्न बैंक है भैया, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या है यार। देखिए, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, जल्दी से कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो स्पीयरमैन, स्पीयरमैन, विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन द्वारा किया गया था, 20 का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है, प्रश्न नंबर 41 जल्दी से कमेंट करिएगा, अधिगम की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी, इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके e-learning with दुर्गेश या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, वहां से आप टेलीग्राम पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं, निःशुल्क पूरी तरह से है, पूरी क्लास देशित में राष्ट्रहित में, अधिगम की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर होगा कसौटी संदर्भगत प्रशिक्षण द्वारा, 20 का राइट आंसर है, अधिगम दक्षता का मूल्यांकन कसौटी संदर्भित परीक्षण द्वारा किया जाता है, इस परीक्षण में एक निश्चित मानक पहले ही तय कर दिया जाता है, उसी के सापेक्ष सफलता असफलता का आकलन किया जाता है, जैसे प्रवक्ता के लिए नेट परीक्षा पास करनी होगी, अध्यापक बनने के लिए टेट की परीक्षा पास करनी होगी, इसलिए प्रश्न का उत्तर 20 का राइट आंसर है, 20 का सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से कमेंट बताइए करके बताइएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो e-learning with दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, जहाँ पे CTET, UPTET, SuperTET, KBS, DSSB की सभी चीजें उपलब्ध होगी, मेरी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में उपलब्ध है,
बच्चों की त्रुटि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। यहाँ पर क्या होगा, बच्चों की त्रुटि करके ही सीखना उसका अंग है, ये किसने कहा था, ठंडाई का सिद्धांत क्या था, कमेंट करके बताइएगा। बच्चे गलती करके सीखते हैं, हम गलती करके सीखते हैं, लेकिन इस बार गलती नहीं करना है परीक्षा हाल में, ठीक है। जिसको साफ नहीं दिख रहा वीडियो क्वालिटी बढ़ाता चले। बच्चों में कथनों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चों निम्नलिखित कथनों में से वाइगोत्स्की सहमत है, वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर सीटेट पार करना है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। लाइक नहीं की वीडियो को तो पहला काम लाइक करिएगा, फिर वीडियो को शेयर करिएगा। विद्या माई का समय, सभी लोग वीडियो को लाइक करने के बाद सभी साथियों को शेयर कर दे, हंसी है कम शेयर ज्यादा करिए। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या होगा, बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। हम लोग कीवर्ड पढ़ाए थे, टैग वर्ड पढ़ाए थे आपको सीटेट का, वहां पे मैंने आपको बताया था, आपको शायद नहीं याद हो, वाइगोत्स्की का विचार था कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें वे समवयस्कों वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डी इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम आकलन के लिए क्या आवश्यक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, अधिगम आकलन के लिए क्या आवश्यक है। 44 सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है 44 नंबर प्रश्न बताइए जल्दी से, ग्रेड अंक के लिए, जांच परीक्षण के लिए, ये नहीं प्रेरणा के लिए, प्रेरणा देना चाहिए, अधिगम आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर सी होगा। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि कर हर हर मैदान फतेह, यही रात अंतिम यही रात भारी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है कैसे, प्रश्न नंबर 45 बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, अभी 15% प्रश्न हुआ है, अभी 300 प्रश्न आपको पढ़ने हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है कैसे, जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी, फटाफट कमेंट करके जवाब दें, एक शिक्षक विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अरे यार कमेंट करना चाहिए, गलत या सही परीक्षा हाल में थोड़ी ना गोली थोड़ी ना मार देंगे, बताओ भाई साहब। देखे एकर हो, अनुशासन नहीं होना चाहिए, आदर्श रूप में बर्ताव करके उन्हें आदर्श रूप में बात करना चाहिए, महान व्यक्तियों के बारे में समझाना चाहिए, अच्छी कहानियां सुनाना चाहिए, कविता सुनाना चाहिए, तो किसी शिक्षक के चरित्र तथा स्वभाव प्रत्यक्ष रूप से बच्चों पर पड़ता है। यदि वह शिक्षक आदर्श रूप में बर्ताव करे तो विद्यार्थियों में आदर्श मूल्यों का विकास होगा। इस प्रश्न का उत्तर बी फॉर बैट, ठीक बा। आगे बढ़े थे, अगला प्रश्न, कोहलबर्ग नाम सुने हैं ना, तो इतनी कमेंट भी बतावा था, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करते हैं, यदि कमेंट जल्दी बतावा, जरिए लाइव बा जल्दी कमेंट करे थे। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है कैसे, भैया नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, जैसे आज की कक्षा में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और आप सीटेट पार होकर आएंगे, ठीक बा। इसलिए प्रश्न का उत्तर का ए इसका राइट आंसर बा, ए का सही बा, ठीक क्लियर बा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न आपके सामने बा, किस मनोवैज्ञानिक अनुसार सीखने का मतलब, सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण बा, तनी कमेंट के बतावा कौन है मनोवैज्ञानिक कहत बा कि सीखक मतलब ज्ञान निर्माण, तनी बताओ कमेंट करके था। 47 नंबर भैया एक मनी कह रहा जीन पियाजे ए 20 का राइट आंसर है, ठीक बा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न तो सामने बा दिखात हुए, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या बा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। 48 थोड़ा तेजी से पढ़िएगा, तेजी से आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, जल्दी जवाब दीजिएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है, भैया यह संवेदात्मक रूप से संतुलित होता है, विषय का गहन ज्ञान होता है, अत्यधिक संवेदनशील होता है, अनुशासन होता है, जी नहीं। कक्षा क्या होगा, कक्षा हमेशा कैसी होनी चाहिए, अनुसम जीवंत कक्षा होनी चाहिए, कक्षा से आवाज आनी चाहिए, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए फॉर एप्पल। आगे बढ़े थे, जी हाँ सौरभ लगे रहिए आप भी, सौरभ जी टेलीग्राम का लिंक उपलब्ध करा दिए सबको। एक विद्यार्थी के लिए सामाजिक रूप से इच्छित आदतों अभिवृत्तियों को विकसित करने के लिए सबसे उचित स्थान कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि किसी विद्यार्थी के लिए सामाजिक रूप से इच्छित आदतों और अभिवृत्तियों को विकसित करने के लिए सबसे उचित स्थान क्या है। तो इसका उत्तर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जान डीवी के अनुसार, किसके अनुसार, जान डीवी के अनुसार क्या हुए, विद्यालय, ठीक है।
विद्यालय समाज का लघु रूप है, अतः यहाँ बालक को सामाजिक आदत अभिवृत्तियों को विकसित किया जा सकेगा। किसने कहा? जॉन डीवी ने। इसलिए का उत्तर का होगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तरी कमेंट कर जा, पैसा ना लगे कमेंट करे के, गलत हो जाए गोली थोड़ी मार दे, यहां गलती हो जाए परीक्षा में ना हो। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने का चांस नहीं होगा, पेड़ के नीचे पढ़ ले, संसाधन न होए, जैसे हम ऑनलाइन पढ़ ले भी लेनी भी दुर्गेश पे, विषय वस्तु अनुभव, एक प्रश्न का उत्तर का हो ए। मतलब विषय वस्तु में प्रवीणता एक अध्यापक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान ना हो। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इसके आधार पर ही अन्य विकल्प हैं, इसलिए इसका उत्तर ए फॉर एप्पल। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जल्दी कमेंट करके बताइए, जो लोग वीडियो को लाइव देखे थे कमेंट वमेंट क्या करा यार, ये जीवन का अच्छा बाट है। हाँ फेसबुक पे भी लाइव हो, यूट्यूब पे लाइव हो, दोनों पर निःशुल्क लाइव हो, तो शेयर कर अच्छा। बताइए संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजना भाव में उथल पुथल। संवेग प्राणी की जटिल अवस्था है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना का उत्तेजित दशा तथा निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। बुढ़वत के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किसके अनुसार? बुढ़वत के अनुसार, ठीक बा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, इसका 51 का। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? जी हाँ, किसके अनुसार? बुढ़वत के अनुसार, यानी सीटेड बात सीटेड के पढ़े पढ़े ना। अगला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा आप लोग, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? जल्दी से कमेंट करिएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? प्रश्न नंबर 52 बताओ जल्दी से। देखिए यहां पर क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आंकलित करना, यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। इसलिए यहां पर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वह क्या होगा, वह आपका है क्या, बताइए जल्दी से कमेंट करके, वह आपका 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं। अगला प्रश्न, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? बताइए विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? बताइए विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? बताइए 53। देखिए सीटेटों में जन उत्तर बड़ा लगे वह करा करे, जन उत्तर बड़ा हो आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि, जन उत्तर नहीं आवे जो सबसे बड़का रहे उत्तर लगाए दे। विकास में वृद्धि का मतलब है आकार में सोच में समझ में कौशल में, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? जल्दी बताइए 54, 300 प्रश्न की सीरीज है, जल्दी सवाल जवाब देते रहिए भैया, 300 प्रश्न हल करना है आप लोग को। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। स्मृति समझ हमारे ज्ञान आधारित, कहां बताइए वस्तुनिष्ठ, समझ एवं अनुप्रयोग के आधारित। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी का राइट आंसर होगा, क्या होना चाहिए, सी समझ अनुप्रयोग पर। जैसे अगर पानी न बरसे का हुए, अगर ज्यादा पानी बरस गया तब का हुए, अगर गांव में एक महीने तक बिजली नहीं का हुए, ऐसे प्रश्न बच्चों से पूछना चाहिए। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी सीटेट के अनुसार। अगला है, एक बहुभाषी विद्यार्थी है स्थिति उत्पन्न करती है, कक्षा में एक बहुभाषी विद्यार्थी है यह स्थिति उत्पन्न करती है, जल्दी से कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 55, जल्दी नहीं कमेंट करो, जवाब देते रहे आगे बढ़ते रहे, जल्दी नहीं जवाब दे। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, कुंठा, सीखने के समृद्ध संसाधन,
हमने पढ़ाया है, ये हमने आपको टैग शब्द में पढ़ाया है, टैग वर्ड में पढ़ाया है सीटेट के, कि सीखने का समृद्ध संसाधन होता है क्या बहुभाषिकता। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, किशोर का अनुभव कर सकते हैं, प्रश्न नंबर 56, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। अब की बार सीटेट पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं। आज 300 प्रश्न को पूरा करना है, 300 प्रश्न है आज, 300 प्रश्न है, अभी तो आप 56 नंबर पढ़ रहे हैं। देखिए, किशोर का अनुभव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। 55 के लिए अपराधों के प्रति भाव, आत्मसिद्धि के भाव, दुष्यंत और स्वयं के सरो दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार होकर, डी इसका राइट आंसर है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न के बारे में, यहां पर क्या कह रहा है, किशोर किशोरा दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। किशोर न तो बालक होता है न ही प्रौढ़ होता है, किशोर अनेक बातों के विषय में चिंतन करता है। वो अपनी शारीरिक आकृति, स्वास्थ्य, धन प्राप्ति, सम्मान, सामाजिक असफलता, प्रगति, शैक्षिक और अपनी कमियों के विषय में सदैव चिंतित रहता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या है, डी इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, ये पूरा सीटेट वाला प्रश्न है, यहां अगर आपने उत्तर दे लिया ना तो सीटेट में कोई माइक लाल आपको रोक नहीं पाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, यहां भी प्रश्न है, विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से सबसे कम प्रेरक कौन है। सबसे कम माने नकारात्मक। ये कैसा प्रश्न हो गया, नकारात्मक। प्रश्न के ध्यान से पढ़िएगा, नहीं गलती हो जाएगा, गलती कमेंट करके बताइएगा। 57 का उत्तर क्या होगा, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास किया ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, यही आपका गलत हो गया। साथियों के साथ सम्मानपूर्व स्नेही व्यवहार करना सही है, रंगमंची कौशलों का अनुभव समय देना सही है, संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कला सही है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए, जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही आपका वास्तव में क्या है, सही है। जो उत्तर गलत है वही वास्तव में सही है, ये कौन कहता है, नकारात्मक प्रश्न वाला विकल्प कहता है। समझ में आया, जिसको साफ नहीं दिख रहा तीन डॉट बिंदु पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी करते हुए समस्या समाधान के विद्यार्थियों को मजेदार बना सकते हैं। 58 नंबर, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, 58 नंबर क्या होगा। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो उसे परिपूर्णता अपेक्षा करना, यही है, ध्यान दीजिएगा ठीक। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए राइट आंसर है। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचेगा तो क्या होगा। यदि कोई बच्चा हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे, बताइए जी, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। आज चाहे रात की 2 ही क्यों ना बच जाए, लेकिन 300 प्रश्न तो खत्म करेंगे ही। उसे डांटेंगे ऐसा नहीं, प्रधानाचार्य को बताएंगे, उसके माता पिता को बताएंगे, कुछ नहीं करेंगे, उससे बात करेंगे। जैसे आप शेयर नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे। यार शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत ही गजब की प्रश्न की सीरीज है। इसमें पैडागॉजी भी है और CDP भी है, दोनों का मिश्रण है। ये 15×75 माने 15×5 75 प्रश्नों की सीरीज है, तो शेयर करिए, पैसे नहीं कटेंगे, किसी का भला हो जाएगा, उसके माँ बाप का आशीर्वाद आपको लगेगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप क्या करेंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके। कक्षा के बाद मिलने की सलाह देंगे, ऐसा नहीं है। कक्षा में चर्चा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है, ये गलत है, ये है। इसलिए इसका उत्तर क्या है, सही है। अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है हम कहेंगे वाह बहुत अच्छा पूछिए, अवनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बधाई हो आपको, इस परीक्षा में आपको पार करना, जल्दी सरकारी शिक्षक बनना है, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, जवाब दीजिएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करिएगा, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अभी 61 हुआ है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, अरे यह उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, कौन कहता है, NCF 2005, ठीक है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कोहलर का प्रयोग सीखने के लिए सिद्धांत संबंधित है, सभी लोग बताइए कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। बताइए, प्रयत्न भूल, थांडाई, अनुक्रिया गलत, अनुसरण गलत, सूत का सिद्धांत, बर्रा वाला न। देखिए, सीखने का सूत्र के सिद्धांत प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया। उनके अनुसार जब भी समस्या का निराकरण करते समय अचानक कोई हल दिमाग में आता है
तब हम उसका प्रत्यक्षीकरण तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन सूच कहलाता है। जैसे अगर आपके सीटे में प्रश्न आता है, अगर आ गया ये सभी, तो ये हो गया सूच का सिद्धांत, मारो टन से सही। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण संबंधित सही कथन है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इनका आकलन शीघ्रता सुगमता से किया जा सकता है, सही बात। ये परीक्षकों को व्यक्तिगत प्रभाव प्रभावित नहीं होते, सही बात। वस्तुनिष्ठता कारण अधिक से विश्वसनीय वैध होते हैं, 1, 2, 3, इसका मतलब क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है, बी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, बनरा माने चिंपैंजी सुल्ताना, सही है। अब इसे बनरा जस्ट किडिंग दिख नहीं रहा, ठीक है। अगला प्रश्न, छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है, जल्दी कमेंट करिए। छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं फेसबुक पेज पे, जल्दी कमेंट करके बताइए, छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है कहां, कमेंट करिए मालिक आप लोग, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, कर हर हर मैदान फतेह। आज की रात सीटेट की रात होगी, बताइए, जवाब दीजिए। छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है कैसे, बाह्य परीक्षा प्रणाली में, आंतरिक परीक्षा प्रणाली में, सेमेस्टर में, बाह्य आंतरिक परीक्षा सत्र मूल्यांकन प्रणाली में, डी इसका राइट उत्तर, मतलब जो उत्तर वह बड़ा होता वही लगा दीजिए। अच्छा इंडिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ध्यान दीजिएगा, बाह्य आंतरिक परीक्षा सतत मूल्यांकन, डी इसका राइट आंसर है, जो उनका उत्तर वह बड़ा लगे वही सही होता है सीटेट में। यदि ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक प्रश्न आपके सामने आया है, मैं यहाँ पे दो प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूं, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में से किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में से किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है, जल्दी कमेंट करें भाई साहब, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग तैयार हमारी तरह हो जा रहे हैं, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। यार मैं 3 बार सीटेट पास हूं, अब आपको भी पार होना है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा धनात्मक होता है, क्या होता है धनात्मक। अगला, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, मानसिक, वंशानुक्रम, सही परिवार, उपयुक्त समस्त, जहां पे आ जाए सीटेट में तुरंत आंख मून के मार दे, जहां ये सभी आ जाए कुल सही, जहां पे ये सभी आवे तुरंत ये सभी कर दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, अब तो रेस के घोड़े हैं। अगला प्रश्न, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। देखिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। फेसबुक पेज पे भी वीडियो चल रही है जहां पर इसकी नोट्स आपको उपलब्ध है, ई लर्निंग विद दुर्गेश, उसे भी बेल आइकन दबा के रखिएगा। एक और चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, जिस पर बाकी क्लासेज आपको मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए जिसका उत्तर नहीं पता उसको बड़का वाला मान लेते हैं ना, ये सभी 80% सही होता, मैंने आपको बताया था ना, 100% नहीं। बच्चों में नैतिकता का स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, जवाब दीजिएगा, क्या उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऊपर मैंने बताया था ये गलत, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, बी होगा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, बी होगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, अभी ऊपर इस तरह का प्रश्न हमने कराया था। अगला प्रश्न आपके सामने 68 नंबर प्रश्न कह रहा है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। प्रश्न नंबर 68, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं दुर्गेश पर, निशुल्क क्लास है आपके लिए। देखिए बच्चों में जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कैसे, जल्दी से जवाब दीजिएगा, शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी जिज्ञासा आएगी तुरंत, भैया जिसे सीटेट परीक्षा पर तुरंत पढ़े, तुरंत परीक्षा में जा ताकि भूला ही ना पावे। ठीक है, प्रश्न का उत्तर क्या है, डी इसका राइट आंसर, इसका क्या है सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, परामर्श का उद्देश्य क्या है, परामर्श का उद्देश्य है, सभी लोग कमेंट करिए बताइए। हमने कहा है ना, जहां उपयुक्त सभी मिल जाए 80% सही, मारा गोल 80% ये सभी पर, जब नहीं आवे 80% आवे तो सही बात। बच्चों को समझना, बच्चे की कमियों को पता लगाना, बच्चों के समायोजन में सहायता करना, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, बताओ पुनर्बलन क्या कर रहा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुपक्का व पावलाव, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां कुपक्का और जो कुहलर थे, इन्होंने अंतर्दृष्टि को ध्यान से देखना चाहिए, लिख लीजिएगा अंतर्दृष्टि, सुनिश्चित मानसिक स्तर बालकों के लिए सहायक है, लेकिन पावलाव के अनुसार
पावलाव के अनुसार अगर यहाँ पे देखें, पावलाव के अनुसार अगर हम देखेंगे तो अनुबंधन होगा, अनुबंधन होगा। लेकिन यहां पर पूछा है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पुनर्बलन, तो स्किनर होगा, इसलिए इसका उत्तर स्किनर होगा। क्या होगा? स्किनर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, स्किनर होगा। अनुबंधन पावलाव के कोप्पा कोलर के अनुसार अंतर्दृष्टि होगा, ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी होगा, स्किनर के अनुसार पुनर्बलन, ठीक है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आएगा, सत्तर का डी, सत्तर का डी क्लियर हुआ सबका, सत्तर का डी पावलाव अनुबंधन। देखिए कोप्पा कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि सुनिश्चित मानसिक स्तर बालकों के लिए सहायक है, जबकि पावलाव के अनुसार अनुबंधन व्यक्ति बालक सीखता है, लेकिन स्किनर पुनर्बलन अधिगम सिद्धांत महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का तरल, जितने लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को एक एक लोग को शेयर करेंगे ना, 10,000 की संख्या होगी। कैटल ने, किसने? कैटल ने। ध्यान से देखिएगा कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल कैटल तथा हार ने दिया था, कैटल प्लस हार ने दिया था। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति में सोचना तर्कणा करना जन्मजात शक्ति होती है, ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 72, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है जल्दी बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नए पूर्णता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं यार एक बार शेयर करिएगा, अभी 300 प्रश्न की सीरीज है, 300 प्रश्न बैंक है, ये पूरा एनसीईआरटी वाला, यही पढ़ो, परीक्षा वाले प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होगा। ऐसे बच्चे जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता से हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उन्हें निष्पादन उपागम अधिविन्यास के लक्षण होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डी का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अभी तो 1/3 भी नहीं हुआ है भैया, अभी तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हर तरह की सर्वविधित शिक्षण प्रणाली होते हुए भी शिक्षक की आवश्यकता क्यों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिएगा भैया, आपकी जरूरत क्यों है, शिक्षकों की जरूरत क्यों है, जल्दी कमेंट करके बतावा, नहीं तो जल्दी जल्दी देखिए, शिक्षक आवश्यकता नहीं है, है भैया, अगली शिक्षक भर्ती लिया देखो, अगली शिक्षक भर्ती से ले लानी है, शिक्षक सटीक नहीं पता सही गलत, रोजगार हेतु शिक्षक का होना अपरिहार है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व तो और चरित्र का शिक्षार्थी पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। क्या होगा? सी प्रश्न का राइट आंसर, ठीक, एकदम आराम से प्रश्न, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हल हो जाएगा। अगला, मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए यार, वीडियो को शेयर कर दे, जिसको साफ नहीं दिख रहा वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले, सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं, आज 300 प्रश्नों को तोड़ना है आपके साथ, सभी लोग शेयर करिए, सभी लोगों से पूछाइए। देखिए, मधु गणित में कमजोर, एक अच्छा अध्यापक की दृष्टि से मुझसे गणित कमजोर होने का कारण क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। 74, देखिए प्राय लड़कियां गणित कमजोर थी, गलत, जेंडर, उनके माता पिता ने पढ़े गलत, गणित शिक्षण की विधि कोई त्रुटिपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। सारा सीटेट वाला प्रश्न है, इसको पढ़ लिया सीटेट में कर लेंगे, ठीक। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। 75, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? अभी तो 25% प्रश्न होंगे, अभी तो पूरा बाकी है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, जल्दी से कमेंट करिए यार। आप लोग लाइक नहीं कर रहे, पैसा नहीं कटेगा, विद्या माई कसम, वीडियो को लाइक करने के बाद सबके शेयर कर देता नहीं, एक बार कर हर हर मैदान खत्म, सबके जगावे ताकि सीटर सब पास हो जाए। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? 75, जहां पर यह सभी आ जाए 80% सीटेट में सही हो, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, डी इसका राइट आंसर है, ठीक। हमने बताया ना, जहां पे ये सभी आ जाए, आखून के मारा करिए, 80% सही, अगर नहीं उत्तर सही आ रहा है तब, बाकी आपकी इच्छा, मेरा व्यक्तिगत मानना है, ठीक। समझ में आया कि नहीं?
चलिए रास के संवेग कितने प्रकार बांटा है, रास ने संवेग कितने प्रकार बांटा है तनी बतावा कमेंट करके, रास ने संवेग कितने प्रकार बांटा है, पहला ज्ञानात्मक, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा क्रियात्मक, तीसरा भावात्मक, कुल कैट है तीन थे। इसका उत्तर क्या होगा, बीस का राइट आंसर होगा, बी क्या होगा सही जवाब होगा, ज्ञानात्मक क्रियात्मक और भावात्मक। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना, चलिए आगे बढ़ा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है, मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है, यानी कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो देखिए मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है, तो मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है अवलोकन है। क्या है, अवलोकन। अवलोकन मापन की विधि वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ विधियों में साक्षात्कार, प्रक्षेपी, प्रश्नावली, प्रयोगशाला, ये वस्तुनिष्ठ विधियों में कितने प्रमुख अवलोकन है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा 77 का। फिर अगला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है, 78। जब उन्नति नहीं होगी, जब भैया उन्नति नहीं होगी, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती उसे हम सीखने का पठार कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सीखने का पठार। माने इसका क्या होगा, 78 का बी, 78 का होगा, 20 का राइट आंसर है। ठीक, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, बालकों में दो वस्तुओं के अंतर करने की शक्ति का विकास हो जाता है कब, बालकों में दो वस्तु के अंतर करने का विकास जो शक्ति होती है कब होता है, 79 बताइए जल्दी जल्दी। ये होता है पांचवें वर्ष में। ये गधा ही है, गधा है, गाय हो बधा हो। बुद्धि में बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बताइए सभी लोग, 80 नंबर। ईएल थंडाइक ने किया था ना, सॉरी ईएल थंडाइक ने, किसने किया था, थंडाइक ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इसका ए। समझ में आया, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है कि अतिरिक्त, माने नकारात्मक प्रश्न हो गया, नकारात्मक, सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है कि अतिरिक्त माने नकारात्मक प्रश्न को छोड़कर बाकी अधिगम अक्षमता उत्पन्न कर सकता है, तो व्यवहारगत है, संवेगात्मक है, सेरेब्रल डिस्ट्रक्शन है, सांस्कृतिक कारक नहीं, जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, जो गलत है वही सही है। ठीक, जो गलत है वही सही है, क्यों, क्योंकि हमें नकारात्मक प्रश्न है ये। क्लियर, अगला, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है, तो जल्दी कमेंट करिए सभी लोग, बराबर कमेंट करिए, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग, मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है, जल्दी से कमेंट करिएगा। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षा संवेग नियंत्रण करना, विविध विद्यार्थियों शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, शीर्ष का राइट आंसर है। ठीक, मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक के विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के विषय में अस्पष्टता योग्य बनाती है। किसी भी कक्षा में विभिन्न बुद्धि स्तर के बच्चे समावेश होता है, इनको समझकर ही शिक्षक से अच्छे निष्पादन उत्तम बना सकता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी। अगला, शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए चैनल और स्टडी विद दुर्गेश सर, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, बाकी क्लास आपको उस पर मिल जाएगी, और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, दुर्गेश सर सर्च करके बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। देखिए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा। आकलन का प्रयोजन सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री का सुधार करना है, दैनिक गतिविधियां और अभ्यास के उपयोग से अधिगम बहुत ही अच्छा आकलन हो सकता है, इसलिए इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा तेजी से पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि 300 प्रश्न है,
करहर हर मैदान फतेह। निम्नलिखित में से कौन सा बालक विकास एक सिद्धांत नहीं है? नहीं है माने नकारात्मक प्रश्न है, यह नकारात्मक प्रश्न है। कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। कौन सा बालक विकास का सिद्धांत नहीं है बताइए सभी लोग। विकास सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्व अनुभव अंतर क्रिया परिणाम होते हैं, सभी विकास अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं गलत, सभी विकास एक क्रम का पालन करते सही। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही चाहिए, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी। भाई सभी की विकास अधिगम एक समान गति थोड़ी होती है, आपकी ज्यादा है हमारी कम है, हम तो मंद बुद्धि बाधक ठहरे। ठीक, क्लियर, हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। प्रश्न नंबर 85 जल्दी से कमेंट करके बताइए। बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन परिवर्तनशील किया है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए गलत, व्याख्यान गलत, अस्पष्ट आश्वस्त करने वाली व्याख्यान देनी चाहिए, शिक्षार्थियों को साथ चर्चा करनी चाहिए। देखिए अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए, इसलिए इसका उत्तर डी हो सकता है। कैसे आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। विकास तथा यदि कोई शिक्षक अपने बच्चों को चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, उन्हें सक्षम बनाना चाहता है, तो शिक्षक को चाहिए वह स्पष्ट आश्वस्त करने वाली व्याख्या दे ताकि बच्चों के साथ चर्चा करे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। अगला है एनसीएफ 2005 गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, कमेंट करके बताइएगा। गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, जिसको साफ नहीं दिख रहा बार बार करें, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 720 पे कर लीजिए, 360 पे कर लीजिएगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए 86 क्या कहता है, यह विद्यार्थी वर्गीकृत करता है, अध्यापक बच्चों डांटने की बात करते हैं, बच्चों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध करा दिया था संसाधन पहचान सके हटाने, ये नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? सी। एनसीएफ 2005 आप लोग हमेशा रख लीजिए, मैंने पढ़ाया था, एक वीडियो मैंने बढ़ाया एनसीएफ 2005 के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता क्योंकि जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही सही है। देखिए बहुयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों के निपुण होते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कुछ लोग संदर्भगत में ही सही है, बहुमत में यदि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध बनाना है तो विशिष्ट परीक्षण के अंतर्गत विभिन्न बुद्धियों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए आप सही लगाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? 88 सभी लोग फटाफट कमेंट करें। 88 देखिए यहां पर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए इस प्रश्न का बहुत ही आसान जवाब आपको पता होना चाहिए, यह पारस्परिक शिक्षण होगा। क्या होगा? पारस्परिक शिक्षण। वाइगोत्स्की सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या समाधान बच्चों में अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से है, समस्याओं को समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है, इससे भी अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, अपने निर्णय पर पहुंचते हैं, समस्या समाधान के पारस्परिक शिक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार को स्पष्ट के नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में शामिल करके, कैसे? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए वीडियो को एक बार और शेयर कर दीजिए यार, आप लोग संख्या कम हो रही है, आप लोग बढ़ा दीजिए, ये आपके ऊपर है। देखिए नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक है। जितने लोगों ने डी दिया है उनके जवाब सही है, डी राइट है। अगला, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं।
सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे, जहां भी आप देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ये अंतिम क्लास है और इसके बाद यही रात अंतिम, यही रात भारी। इसके पढ़ने के बाद ना केवल आपको सिलेक्शन की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहना है बस, और अपना बेस्ट देना है। क्योंकि मैंने बताया ना, रेस के घोड़े ही रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं, आपको तो केवल रेस में अच्छे लगते हैं और कहीं नहीं। चलिए, 91 में यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता क्यों संकेत करती है, ध्यान से देखिएगा। अभ्यास के द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, अभ्यास रोक देने पर सहसंबंध कमजोर पड़ने लगता है और शिक्षार्थी त्रुटियां करने लगते हैं। अतः अधिगम प्रक्रिया को त्रुटि रहित बनाने के लिए यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्लियर? कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं है ना, चलिए या शेयर कर दीजिएगा। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि साधारणता उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। हमारी बुद्धि वही होगी। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां 70 से कम क्या होगी, 70 से कम बुद्धि लब्धि के बालकों को साधारणतः मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे हम हैं, ठीक है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है, कौन सा व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है, भाटिया, TGY, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, ए तथा सी दोनों, बताइए क्या होगा। देखिए जहां पे दोनों ये सभी आ जाए वो हमेशा लगा दिया करिए, भाटिया बैटरी, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी। 93 का क्या होगा, डी होगा, ठीक है? क्लियर? भाटिया और बैचलर बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत, जैसे इसके बारे में अगर देखेंगे तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को एक समय केवल एक ही व्यक्ति पर प्रसारित किया जा सकता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों में शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। बीने साइमन परीक्षण स्टैनफोर्ड टर्मैन संशोधन द्वारा, ड्राईमैन परीक्षण भाटिया बैटरी, बैचलर परीक्षण आदि व्यक्तिगत परीक्षण के उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, जल्दी जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, 94 बताइए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं, त्रुटियां जो होती हैं अधिगम प्रक्रिया का भाग होती है, ठीक। अगला, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत व्यापन मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा, ये मैंने ऊपर पढ़ाया था, सतत एवं व्यापन मूल्यांकन द्वारा 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। या जल्दी जल्दी टाइप करते रहिए, उत्तर बताते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अगला है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है, यह उपागम किस पे है, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो रेस के घोड़े हैं। कमेंट कर जवाब देते रहिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग। इससे ज्यादा फास्ट क्या पढ़ाए यार, इतना फास्ट तो पढ़ा रहे हैं मेरा गला भी दुखने लगा, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए ज्ञान के निर्माण में क्या होगा, ज्ञान के निर्माण शिक्षक द्वारा दृश्य सामग्री की सहायता से शिक्षण के विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान से जोड़ दी जाती है, इसके अनुभव के आधार पर पोषण की संकल्पना को सिखा रही है जिससे विद्यार्थियों ज्ञान में निर्माण हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। यार थोड़ा शेयर कर दीजिए। सीखने की आकलन निम्नलिखित में से ध्यान सिवाय को समझ, नकारात्मक मन इसमें गलत विकल्प छाटना, यहां पर देख रहे सिवाय, सिवाय मैंने नकारात्मक होता है, ठीक, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय नकारात्मक प्रश्न है, बताइए सभी लोग फटाफट। विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की त्रुटि, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, यही गलत है यही सही है, कैसे? देखिए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार
सीखने के आकलन का ध्यान, विद्यार्थियों की दैनिक त्रुटि, अधिगम शैली एवं क्षमताओं के मध्य अधिगम का अच्छा आकलन हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए जो गलत है वही सही है, इसलिए 97 का ए राइट आंसर होगा, जो गलत है वही सही है। यहाँ पे गलती करिएगा, परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। अगला, विद्यालय आधारित आकलन कैसा है, विद्यालय आधारित आकलन कैसा है बताइए, बताइए से पहले कमेंट करके। देखिए विद्यालय आधारित कैसा है बताइए कमेंट करके से पहले फटाफट। शिक्षार्थी शिक्षक को लापरवाह बनाता है, बोर्ड जवाबदेही, राष्ट्रीय मानक के प्रति बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में सीखने के शिक्षार्थियों की मदद करता है। इस प्रश्न का उत्तर डी राइट आंसर होगा। जी हाँ, फेसबुक पे लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम दुर्गेश जायसवाल। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोगी उपलब्ध करवा सकता है। 99 से बताइए, सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर पाठचर्या, जी नहीं, सभी सोचने का अलग अलग होती है, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना, शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ, सभी लोग ध्यान से देखिए, आगे बढ़ना अगले प्रश्न की तरफ। ये वीडियो फेसबुक पेज और यूट्यूब दोनों पर निःशुल्क लाइव चलता है आपके लिए, ठीक। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतन है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने से, याद रखिएगा, रेमाउंट के अनुसार अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण की तकनीक को जानना एक शिक्षक के सर्वोपरि उद्देश्य होता है। किसी प्रकार के प्रश्न पत्र के माध्यम के लिए बिना जाने परीक्षण का विशिष्ट उद्देश्य इस तथ्य में निहित होता है, इस प्रश्न पत्र संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करता है अथवा नहीं। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। 100 प्रश्न हो गए हैं, अब आप वीडियो को शेयर करेंगे, 100 प्रश्न हो गए, अभी 300 प्रश्न है, अभी हम लोग केवल 33% ही प्रश्न को हल कर पाए हैं, ठीक। अभी 200 प्रश्न और शेष हैं, क्या आप वीडियो को शेयर करेंगे, शेयर कर दीजिए, अभी 200 प्रश्न और हैं, पैसे नहीं कटेंगे यार, बाकी मैं तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, आपको तो बस सुनना है, ईयरफोन लगा के कुछ लोग बैठ के सुन रहे होंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए, मैं और फास्ट करूँ, आप लोग शेयर करिए, मैं और फास्ट पढ़ाऊँ, क्या और फास्ट भी पढ़ाऊँ, आपको उत्तर तो बताना है ना, 101 बताइए सभी लोग। देखिए, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चों की कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर समावेशी कक्षा की बात होती है, कौन सी कक्षा, समावेशी कक्षा। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है, सीखने के साथ बताइए, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, प्रश्न का जवाब क्या होगा, सीखने के सातत्य से छात्रों के वर्तमान संज्ञान स्तर से जोड़ना, सी का राइट आंसर होगा। सीखने की तत्परता सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर को संकेत करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य सीखने के लिए तत्पर नहीं होता, उस कार्य को करने में तनाव महसूस करता है। जैसे जब तक आप सीटेट पास करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, तब तक क्लास आपको बड़ी लगेगी, बोरिंग लगेगी, स्लो लगेगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में आ जाए कुछ भी हो जाए हमें सीटेट पार करना है, बहुत ही अच्छी क्लास लगेगी। चलिए, अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर किस पर बल देती है, 103, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देती है, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर, सीखने की, जी नहीं, सीखने के किस प्रकार अलौकिक रिकॉर्ड किया जाएगा इस प्रकार, इसलिए 103 का शीर्ष का सही उत्तर होगा, क्लियर। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या कहेंगे आप, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या कहेंगे, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ध्यान से देखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षण, विद्यालय उपलब्धता आदि में सामान्य बालकों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं।
ऐसे बच्चों को उनके सहयोगों की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, क्या आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे? यार इतना तो मदद करिए, मेरे लिए मत करिए, उन माँ बाप के लिए करिए जिनके पास होने के बाद खुशियाँ से आँख चमक उठेंगे। खैर, मेरी बात का कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। बच्चों के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सकता है? जितने वीडियो को लाइक और शेयर किया, ईश्वर करे इस बार सीटेट पहली बार में और 6 अंकों से पास हो जाएं। और लाइक करने वाले भगवान करे जिंदगी भर ऐसे ही करते रह जाएं। ये ऐसे लोग अगर पहुंच जाएंगे बेसिक में तो उसका भी हालत खराब कर देंगे, इसलिए अच्छे लोग अच्छी जगह जाएं। 105 का आप लोग बताइए, यहाँ पे क्या होगा? समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगात्मक नहीं है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लैंडिस के अनुसार, किसके अनुसार? लैंडिस के अनुसार अनुवांशिकता हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करती है। इन क्षमताओं विकसित होने के समय हम वातावरण से मिलते हैं। अनुवांशिकता हमें कार्यशील पूंजी देती है, परिस्थितियां हमें इसको निवेश करने के अवसर देती है। अतः समवयस्कों के पितृक को सापेक्ष योगात्मक नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। ठीक है, अगला, एक समावेशी विद्यालय कैसा होगा? एकदम बताइएगा, ये आपके सिलेबस में है, अब की बार सीटेट पार। सभी बताइए, बाकी क्लास हो चुकी है, ये आखिरी क्लास है आपकी, यही अंतिम क्लास है। समावेशी विद्यालय कैसा होगा बताइए जल्दी से। विद्यार्थियों की क्षमता की परवाह के बिना सभी अधिगम परिणामों सुधार के लिए प्रतिबद्ध होना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के साथ शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। एक समावेशी विद्यालय बच्चों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी अधिगम परिणामों को सुधार के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगला, अधिगम निरयोग्यता क्या है? अधिगम निरयोग्यता क्या है? अधिगम निरयोग्यता क्या है जल्दी से कमेंट कर बताइए। एक स्थिर अवस्था होती है, यह क्या होती है? एक स्थिर अवस्था होती है। अगला, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिक योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होता है बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, शिक्षार्थियों की छूट देना कि सीखने को कैसे सीखें। ठीक, अगला, गतिक कौशलों में अधिगम निरोग्यता कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम निरोग्यता क्या कहलाती है? डिस्पेक्सिया, डिस्पेक्सिया कहलाती है। इसमें ग्रस्त बालक चलने, कूदने, उछलने, गेंद फेंकने, पकड़ने में अक्षमता महसूस करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी डिसकैलकुलिया क्या होगा, डिसलेक्सिया क्या होगा, इनका भी आप कमेंट करके बताएंगे। डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसफ्रेजिया, इनका जवाब भी बताएंगे आप लोग। ठीक, अगला, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कमेंट कर बताइए। बताइए सभी लोग कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से थोड़ा कमेंट करिए। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़के लड़कियों को एक साथ आप पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। मैंने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को लड़के लड़कियों के साथ आप पारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए ताकि उनके अंदर अलगाव की भावना न जन्म ले। क्लियर? आगे, हार्वर्ड गार्डन की बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देती है? हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देती है? तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। किस पर? हार्वर्ड गार्डन ने अपने बुद्धि सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण योग्यता रखता है। अब तक इस सिद्धांत में 9 प्रकार के बुद्धियों को जोड़ा जा चुका है। समाजीकरण क्या है जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। समाजीकरण क्या है, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें। और देखिए, अगर आप लोग वीडियो को संख्या बढ़ाएंगे तभी मैं 300 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग अगर भाग जाएंगे तो मैं अकेले किसको पढ़ाऊंगा भैया। इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हम लोग पूरे मन से आप लोग को पढ़ाएं। गला बैठ जाएगा चलेगा, लेकिन आपकी क्लास नहीं बंद होने देंगे। अच्छा, टाइम देंगे क्वेश्चन पढ़ने का तो और लंबा हो जाएगा वीडियो ना। चलिए, समाजीकरण है 112, समाजीकरण है बताइए। देखिए, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन,
ठीक है, 113 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। 113 बताइए जल्दी से कमेंट करके। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, क्या विद्यार्थी द्वारा, जबकि शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया को अच्छा माना जाता है, जबकि शिक्षण के दौरान विद्यार्थी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न करे, विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछने से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी शिक्षण में रुचि ले रहा है। ठीक है, अगला, स्पीयरमैन ने बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पीयरमैन ने, बताइए सभी लोग, स्पीयरमैन ने बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, बताइए स्पीयरमैन ने बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 114, दो खंड का सिद्धांत। कौन से दो खंड का सिद्धांत? स्पीयरमैन ने सामान्य तत्व योग्यता और विशेष तत्व, सामान्य तत्व और दूसरा क्या है, विशेष तत्व। ठीक, 20 का राइट आंसर है। बहुशिक्षण शास्त्री तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकी परिवर्तनी जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। विभेदिक अनुदेशन है। ठीक, ये वर्गीकृत अधिगम बहु आकलन तकनीकी परिवर्तनी जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप शिक्षा की विविधता भरी अनुदेशक प्रणाली को व्याख्यित करते हैं। बीने का साइमन टेस्ट बुद्धि परीक्षण किसके लिए बनाया गया था? 116, देखिए अगर बीने की बात करेंगे तो यहां पर उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं होगा यहां पे, क्योंकि 20वीं सदी में फ्रांसीसी अधिकारियों का ध्यान बड़ी संख्या में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की तरफ गया। उन्होंने इसका कारण जानने के लिए आयोग बनाया और फेल होने कारण कठिन परिश्रम न करना, जन्मजात योग्यता में कमी हो, इसे पूरा करने के लिए बीने तथा साइमन के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित 30 प्रश्न तैयार किए। बीने साइमन टेस्ट कहा गया, यह बौद्धिक योग्यता का ज्ञान कराता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए अगला। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसे अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है, किसके लिए? जरा कमेंट करके बताइएगा। परिश्रमपूर्ण कार्य पर बल देना, भले बातें चलने पर मोबाइल चलता, ये है अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धिलब्धि IQ क्या है? कमेंट करके बताइए। 118, बताइए भैया, IQ बराबर मेंटल एज बटे फिजिकल एज इंटू 100। ठीक, तो यह क्या होगा? 118 क्या होगा? यह बौद्धिक योग्यता का ज्ञान कराता है, यह बौद्धिक योग्यता का ज्ञान कराता है। ठीक, चलिए अगला। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वो क्या है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब की बार सीटेट पार। जवाब दीजिए सभी लोग, बताइए 119 क्या होगा? गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए, शिक्षिका द्वारा अपने बच्चों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट कराने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करना होवर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत की ओर इशारा करता है, क्योंकि शिक्षिका कक्षा कक्ष में विविध बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को पढ़ाने के विविध कार्य पद्धतियों का प्रयोग कर रही है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। अगला, कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी लोग, फटाफट कमेंट करिएगा, बताइएगा कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। सभी लोग फटाफट कमेंट, देखिए सत्य या असत्य यही होगा ना, कौन सा सही या गलत है, ये वस्तुनिष्ठ है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न आपके सामने,
निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दुर्गेश सर सर्च करिएगा ई लर्निंग में, दुर्गेश पे या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अन्य सभी जितने भी सीटेट की निःशुल्क क्लास और पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जल्दी जवाब दीजिएगा सभी लोग फटाफट। क्या होगा 121 क्या होगा? देखिए यहाँ पर अपनी उच्च स्तरीय संवेदात्मक कारणों को निम्न श्रेणी पा सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा? सी का राइट आंसर होगा। ठीक, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए यार आप लोग, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आज की क्लास। ये 300 प्रश्नों की सीरीज है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जान डीवी के अनुसार समुचित है? 122 नंबर। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, विद्यार्थियों के स्वयं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जान डीवी विद्यार्थियों के मानसिक सामाजिक व्यवस्था में मानदंड का प्रहरी मानता था। वह इन बातों पर यकीन करता था कि बिना बच्चों के सामाजिक व्यवस्था के शिक्षा का प्रचार प्रसार हो ही नहीं सकता, बिना प्रचार प्रसार के समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसलिए उनके अनुसार बच्चों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के सक्षम होना चाहिए। बी, जब बच्चा फेल होता है इसका मतलब क्या हुआ? जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जब बच्चा फेल होता है तब इसका मतलब क्या हुआ? कमेंट करिए आप लोग, जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। जब बच्चा फेल होता है तब क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, जब बच्चा फेल होगा तो क्या होगा? व्यवस्था फेल हुई। ठीक है, अगला क्या हुआ भैया? वीडियो को बंद कर दे, आप लोगों की संख्या हो रही है। ठीक, बताइए मैकडूवल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से है, आश्चर्य से है। ठीक, मैकडूवल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से होता है। मानव व्यवहार के निर्धारण में मूल प्रवृत्ति का योगदान अद्वितीय है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है शिवाय। शिवाय का मतलब नकारात्मक, इसका मतलब होगा नकारात्मक। बताइए बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इसको छोड़कर बहुबुद्धि सिद्धांत के निहितार्थ उन्हें क्या होगा? जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक, इसको छोड़कर। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक चुनौती है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक चुनौती क्या है? कमेंट करके बताइए यार। आप लोग वीडियो को बढ़ाने की जगह कम करते जा रहे हैं, न लाइक कर रहे हैं न शेयर कर रहे हैं, ऐसा काहे कर रहे हैं मालिक? पैसा नहीं लगेगा भैया, आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, ईमानदारी से शेयर करेंगे, ईमानदारी से इस बार क्वालिफाई होंगे। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक चुनौती क्या है? जल्दी से कमेंट कर बताइए। अध्यापन प्रक्रिया के आनंदमय बनाना, एकदम ही है, ये गलत है, ये गलत है, ये अनुशासन तो बनाना ही नहीं है, आपको पहले मैंने बताया है। ठीक, थोड़ा तेजी से आप लोग बढ़ते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? देखिए अगर आप संख्या कम हो जाएगी तो आधा हम लोग कल पढ़ लेंगे रात 9:30 बजे। ठीक है, अगर आधा खत्म कर लेते क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्या किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? 127 जल्दी से कमेंट कर बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, अगला है एक शिक्षक अपनी कक्षा में कहते सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों को असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक बच्चा अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, या कुल वर्ग के किस नैतिक विकास सिद्धांत पर आता है? बताइए। देखिए यह कुल वर्ग के औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था पर आता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर ए होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, पुरस्कार एवं दंड क्या है? पुरस्कार एवं दंड क्या है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। पुरस्कार एवं दंड क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए और बताइए कि पुरस्कार और दंड क्या है निम्नलिखित में से। बताइए पुरस्कार एवं दंड क्या है? कृत्रिम प्रेरक है। क्या है?
कृत्रिम प्रेरक है, पुरस्कार दंड कृत्रिम प्रेरक है, क्योंकि प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक रूप में कार्य करते हैं। भाई ये कार्य आपका व्यवहार नियंत्रित और प्रोत्साहित करने के लिए, इसके लिए इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे अंक दर्शाते हैं, तो ये क्या है बताइए, क्या है तभी बताइए क्या है तब? जेंडर पक्षपाती है। क्या है ये? जेंडर पक्षपाती है। चलिए अगला है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? बताइए फटाफट कमेंट करके, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा, बताइए फटाफट कमेंट करके, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तत्परता से है। किससे है? तत्परता से है। किससे है? तत्परता से है। ठीक, अगला, पियाजे के संज्ञानात्मक, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जिन पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस अवस्था में बालक भूख लगने की अवस्था को रोककर व्यक्त करता है और जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसके लिए उन्हें वस्तुओं का अस्तित्व होता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोग शेयर करेंगे तभी मैं 300 पढ़ाऊंगा, वरना मैं 150 प्रश्न पे बंद कर दूंगा। ठीक, अगर आप लोग संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो, लोगों को शेयर नहीं करेंगे। अगला, आंशिक पुनर्बलन क्या है? कमेंट करके बताइएगा, आंशिक पुनर्बलन क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके। आंशिक पुनर्बलन क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। बहुबुद्धि नहीं जी, बहुबुद्धि पुनर्बलन से तात्पर्य किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ाना है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि सतत पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुबुद्धि सिद्धांत है? देखिए, यहाँ पर प्रभावशाली विद्यार्थी प्रायः क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते, इसलिए प्रश्न का उत्तर सी है, थ्री ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये क्या होगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एक सफल अध्यापक वही होता है। कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, जो भी साथी लाइव देख रहे हैं वीडियो को जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक सफल अध्यापक वही होता है जो क्या? छात्रों को पढ़ाता है, सिखाता है, गलतियों पकड़ता है, छात्रों को स्वयं सीखने में सहायता करता है, करके सीखने पर बल देता है। किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, अगला, यदि कोई परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार एक ही प्राप्तांक प्रदान करता है तो परीक्षण क्या कहलाता है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, यदि कोई परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार ही प्राप्तांक प्रदान करता है तो वह परीक्षण क्या है? बहुत आसान है, विश्वसनीय है। मतलब यार, जैसे आप बार बार सीटेट ई लर्निंग विद दुर्गेश से बार बार पास करते, इसका मतलब है कि सीटेट के ई लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स अच्छे हैं, क्लास अच्छे हैं, सुपर टेट के लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को हल किया जा सके। ठीक, संसाधन संपन्न मतलब उसके पास ज्ञान होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा, कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख है, प्यास है, नींद है, आदत नहीं है। ये गलत है, वही सही है, मतलब सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो भाई शेयर कर दीजिए ना, कहाँ आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं।
विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, इसका क्या होगा? एंगिंगहॉस के अनुसार विस्मरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। सीखना क्या है बताइए, 140 सीखना क्या है कमेंट करिए, सीखना क्या है सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए मालिक, 1000 पहुंचा दीजिए। सीखना क्या है? सीखना अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या गतिशील लाना है। 20 का राइट आंसर है। यह परीक्षण जो छात्रों की एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि की मात्रा का मापन करते हैं क्या कहलाते हैं बताइए? सभी ने फटाफट कमेंट करें। देखिए विशेषता क्षेत्र व्यक्ति की भावी क्षमता की योग्यता ही मापन व अभिरुचियां अभिक्षमता कहलाती हैं। अभिरुचि ठीक, एप्टीट्यूड परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब। निम्नलिखित में से किसी समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, फटाफट कमेंट करिएगा। अब की बार सीटेट पार, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, 300 प्रश्नों की सीरीज है और आज चलती रहेगी, देखते हैं कब तक आप लोग थामते हैं इसकी क्लास को। निम्नलिखित में से किसी समूह के बच्चों को समायोजन समस्या होती है, 142 कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को, किसको? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं जिसकी जानकारी उन्हें है बताइए, कमेंट करा करिए, गलत या सही सब लोग जवाब दिया करिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और आप तो रेस के घोड़े हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। कार्य करते सतत रूप से दी जानी चाहिए, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर है। क्लियर? किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था के समय विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। इस अवस्था में बालक सामान्यतः शारीरिक और मानसिक परिवर्तन में समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ठीक, अगला, समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे वयस्क सीखते हैं। देखिए जहां पे ये सभी आ जाए लगा दिया करिए, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये सभी मैंने बताया 80%, जहां पे ये सभी आ जाए तुरंत सही क्या करिए, समाजीकरण प्रक्रिया जिससे बच्चे वयस्क सीखते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन है जल्दी से बताइए, रचनात्मक आकलन कौन सा है? दत्त कार्य। रचनात्मक आकलन से तात्पर्य होता है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चों की अधिगम की गुणवत्ता का विस्तार किया जा सके। अवधि परीक्षा मौखिक व इसके खेल के उपकरण। अगला, बालक शिक्षा केंद्रित के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, माने नकारात्मक प्रश्न है। 300 प्रश्न पूरा पढ़ना आप लोग को, भागिएगा मत। ऑनलाइन क्लास या नोट्स से संबंध में कोई जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश की जौनपुर जनपद से क्लास आपकी संचालित की जाती है, मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास है। बाकी के लिए टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, रीट, केवीएस, डीएसएसबी की क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, सब चीज़ के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पर फ्री क्लास मिलती है। बताइए क्या होगा? गृह कार्य प्रदान करना। देखिए बाल जनता को बढ़ावा देना, बालक को प्राथमिकता बढ़ाना, बालक को प्रश्न पूछने प्रेरित करना, लेकिन गृह कार्य देना यही गलत है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, जो गलत है वही सही होगा, नकारात्मक प्रश्न होगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, वंशान क्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए। वंशान क्रम बालक कालीन धारण करता है, शारीरिक संगठन महत्वपूर्ण योगदान है, जोड़ा बाल को जन्म योगदान देता है, इसमें रुचि अभिवृद्धि पतना पसंद मस्तिष्क की बात है, यही कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वही सही है, मतलब यहाँ इसका उत्तर डी आप क्लिक करेंगे। ठीक, या शेयर कर दीजिए भाई, कितनी बार कहें, लाइक कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो। 149, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों से को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह उपागम किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए सभी लोग, और बताइए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, 300 प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि 300 प्रश्नों की प्रश्न बैंक आपके सामने लाइव है। देखिए, सक्रिय भागीदारिता, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ठीक, समूह
चर्चाएं सहयोगात्मक अधिगम बच्चों की सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? माने नकारात्मक प्रश्न है। निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब है, परिवार इको क्लब है। सामाजिक प्रत्याशित और सामाजिक मापदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख ले तो उसे सामाजिकरण की संज्ञा दी जाती है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब इसके प्रमुख सक्रिय साधन है। सार्वजनिक पुस्तकालय इसका निष्क्रिय साधन है। अगला, हमने कहा था आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी। वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही रात अंतिम, यही रात भारी स्टेटस पर डाल दीजिएगा, अगर फेसबुक पर दे रहे हो फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा। कच्चा कच का वातावरण होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा मनीष जी। कच्चा कच का वातावरण कैसा होना चाहिए जल्दी से बताइए। कच्चा कच का मित्रतापूर्ण होना चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए, शोरगुल से भरा होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए, नहीं, मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सब कुछ उसमें होना चाहिए। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। भूख और प्यास क्या है? भूख और प्यास क्या है जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। भूख और प्यास क्या है जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए फटाफट, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करिए जल्दी जल्दी। देखिए, भूख और प्यास क्या है, ये जन्मजात प्रेरक है। बच्चा जन्म लेते ही भूख के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 गणित शिक्षण का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है जल्दी से बताइए। 154 सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ठीक, एक बच्चा अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है तो आप क्या करेंगे? जल्दी से कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। अपने सहपाठियों से झगड़ता है तो आप क्या करेंगे? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, एक बच्चा अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है तो आप क्या करेंगे? सजा देंगे, निकाल देंगे, आप पता लगाने का प्रयास करेंगे, फिर परामर्श देंगे। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ क्या है? सभी लोग बताइए। 156 नंबर, सभी लोग फटाफट, जैसे बार बार कोई कक्षा में प्रश्न पूछता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो अधिक जिज्ञासु है। अगला प्रश्न, प्रत्यय अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है? बताइए सभी लोग फटाक से कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, चाहे फेसबुक पे चाहे लाइव, जहां भी देख रहे हैं आप। सामान्यीकरण ए इसका सही जवाब होगा। ठीक, प्रत्यय अधिगम प्रक्रिया को 7 सोपान में व्यक्त करते, पहला सोपान सामान्यीकरण होता है। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, किसमें? निचली कक्षा की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, मतलब प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है। व्याख्यान विधि नहीं, कहानी कथन को। ठीक है, कहानी कथन को। क्लियर, समझ में आया ना? अगला, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहते हैं। 159, सुनहरी अवस्था किसे कहते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सुनहरी अवस्था किसे कहते हैं? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें, सुनहरी अवस्था किसे कहते हैं?
देखिए, बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था के नाम से जानते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, इसलिए इसे सुनहरी अवस्था कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक रूप से, किससे? शैक्षिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से सुनहरी अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। ये तूफानों की अवस्था है जी, तूफानों की, ठीक, ये तूफानों की अवस्था है, ठीक, ये तूफानों की अवस्था है। चलिए, चलिए, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बचपन वृद्धि परिवर्तन के एक अनूठी अवधि होती है। इसका उत्तर क्या होगा? डी का राइट आंसर है। ठीक, चलिए, जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया वो कौन थे? वो हार्वर्ड गार्नर थे। बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादन हार्वर्ड गार्नर द्वारा किया गया। उनका विचार था बुद्धि स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारणी होता है। जब तक बुद्धि, इन्होंने 9 प्रकार की खोज की थी। कितने? 9 प्रकार की। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं है? यह नकारात्मक प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? यह नकारात्मक प्रश्न है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासु प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, तो इसका क्या होगा? डी। ये गलत है, यही सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक, चलिए, देखिए, बार बार लोग कह रहे हैं ना, देखिए, हमारे हिसाब से ये जो तूफानों की अवस्था होती है किशोरावस्था होती है, लेकिन सुनहरी अवस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से आपकी बाल्यावस्था होती है। अगर आपको लगता है सी सही है तो सी कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका उत्तर बी होगा। अगर आपके अनुसार सी सही है तो ठीक है, ठीक, लेकिन बी होगा। आप देख लीजिएगा या किसी बड़े टीचर से पूछिएगा। चलिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? 163। देखिए, स्किनर के अनुसार, किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, अगर हम हरलाक के अनुसार देखें, हरलाक के अनुसार देखें तो 6 से 12 वर्ष तक के इस अवस्था में, इस अवस्था में बालक स्वयं को अति विशाल संसार में पाता है, उसके बारे में जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। 6 से 12 माने कितना होगा? 6 से 12 का है तो कितना होगा? 12 वर्ष तक, सही है ना? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला है, सर्वोत्तम कथन कौन सा एक अच्छा अध्यापक है? एक अच्छा अध्यापक बताइए सभी लोग। अध्यापन की व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, सदैव प्रदर्शन माध्यम विद्यार्थी सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना, सदैव अनुशासन रखना। जी नहीं, सी इसका सही है। क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। ठीक, अगला, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में अनुभव की संस्कृति की गई है। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव की संस्कृति की गई थी आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा 1953 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? कमेंट करके बताइए सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा।
विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? पुरुष महिलाओं को समान संख्या भर्ती करना, विद्यालय में भेदभाव दूर करने के लिए नियम बनाना, कड़ाई से पालन करना, शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिशांस, मतलब इस प्रश्न का उत्तर डी राइट आंसर होगा 167 का। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता। मैंने बताया था ये सभी जहां भी आ जाए 80% सही होते हैं, तो 100% दिख रहा है। अनुकरण है, प्रशंसा है, निंदा है, प्रतियोगिता है। रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति क्या थी? रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति कैसी थी? क्रिया द्वारा सीखना क्या था? रूसो के अनुसार बच्चों को स्वयं के अनुभव से सीखना चाहिए। रूसो के अनुसार जब भी मौका मिले बच्चों को करके सीखने दो, और शब्दों द्वारा सीखने की बात तभी सोचो जब उसके सीखना असंभव हो। इस प्रकार स्वयं करके सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना इनकी प्रमुख शिक्षा थी। ठीक, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नत रहना संबंधित है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए यार। किशोरावस्था क्या होगा? किशोरावस्था, इसमें बालक परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, इसमें परिणाम स्वरूप इस अवस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने हेतु प्रयत्न करता है। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? जल्दी से कमेंट करके बताइए, नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा यह नकारात्मक प्रश्न है, यह नकारात्मक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है यह? नकारात्मक प्रश्न है, बताइए। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, यह गलत है। ठीक, समझ में आप लोग को? अत्यधिक प्रशंसा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया नकारात्मक सिद्ध हो सकती है, जिसे परिणाम स्वरूप अधिगम कार्य अवरुद्ध हो सकता है। ठीक, चलिए यहां पे ध्यान से देखिएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण में किया था, बताइए कमेंट करके। लाइव जो देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, जो लाइव देख रहे हैं बताइए फटाफट कमेंट करके। बताइए सभी लोग, देखिए भाटिया बैटरी प्रयोग निम्न में से किसके लिए हुआ था, बताइए सभी लोग। बुद्धि के लिए, किसके लिए? बुद्धि के लिए हुआ था, और कब किया गया था? 1955 में किया गया था। ठीक, बालकों को सीखने प्रेरणा किस रूप से उपयोगी माना जाता है? कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। बालक की व्यक्तित्व साधर, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, प्रशंसा, उपरोक्त सभी, जहां पे सभी आ जाए, मैंने बताया आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला। परीक्षा की जरूरत क्यों? परीक्षा की जरूरत क्यों? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, परीक्षा की जरूरत क्यों है? यह सर्व संबंधित को एक पुनर्निवेशन प्रदान करता है, इसलिए ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी का विकास दर समान नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तो पूछा दीजिए यार, समझ लीजिए गला फटा जा रहा है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब बच्चा कि दादी उस उसकी माँ की गोद में लेती है तो बच्चा रोने लगता है, इसका कारण क्या है? जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, दादी गोद में जाते बच्चा क्यों रोने लगता है?
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। 176 संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ब्रिजेश ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि 2 वर्ष की आयु तक बच्चे भय क्रोध पीड़ा आदि समय का विकास होता है, बच्चे की मां अधिक लगाव होता है, इस कारण वह दादी गोद में आने पर संवेगात्मक दुश्चिंता कारण रोने लगता है। कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास किया, कमेंट करें बताइए कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास किया। सभी लोग बताइए कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास किया गया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आप बताइएगा प्रत्यक्ष का सिद्धांत किसने दिया, अनुकरण सिद्धांत किसने दिया, सम्मत प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया, कमेंट करके बताइए। अगला, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां क्या होती हैं, कमेंट करके बताइए। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां क्या होती हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बहुमुखी हो जाती है, क्या होती है बहुमुखी, बहुत ही सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह किसने कहा था, यह रॉस महोदय ने कहा था। ठीक, इसे एसआर का सिद्धांत भी कहते हैं ना। 180 बताइए जल्दी से कमेंट करिएगा। सीसी एक व्यक्ति का विकास एक निर्धारित समय पर होना यह परिणाम किसका है, किसी एक व्यक्ति का विकास एक निर्धारित समय पर होना यह परिणाम है, जल्दी से बताइए। डम्बिल के अनुसार क्या होगा, उनके अनुभव का, उनके अनुभव का। ठीक, समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है, 181 क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बर्नार्ड क्या होगा, बर्नार्ड समझ इच्छा क्या है, समावेशी शिक्षा क्या, जल्दी से कमेंट करिए। समावेशी शिक्षा क्या है, बताइए सभी लोग समावेशी शिक्षा क्या है, कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। एकदम आसान प्रश्न है, जवाब दीजिए फटाफट। कक्षा में वे विविधता का उत्सव मनाती है, क्या करती है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, समझ में आया कि नहीं आप लोग को, विविधता मतलब विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करना समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी जी क्या है, बताइए सभी लोग, ये जन्मजात अपरिपक्वता होता है, अपरिवर्तनीय होता, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सहस्वावस्था की विशेषता नहीं है, तीन है एक नहीं है, बताइए सभी लोग सहस्वावस्था की विशेषता नहीं है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का अभाव, यही गलत है यही सही है, ए जो गलत है वही सही है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है, जब पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, बल्कि उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं, उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सिद्धांत आधार हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण होंगे, ठीक है।
आगे बताइए आप लोग, कौन सा सप्रत्यय सतत शिक्षा के अधिक निकट है? जीवन पर्यंत शिक्षा, कौन सा होगा? जीवन पर्यंत शिक्षा। मूल्यांकनों, मूल्यांकन के परिणामों की स्थिरता का मापन उनकी क्या है? वस्तुनिष्ठता से होता है, विश्वसनीयता से होती है, भविष्यवाणी क्षमता से होता है, उपयोगिता से होता है, किससे होता है? विश्वसनीयता से होता है। ठीक, विश्वसनीयता का अभिप्राय है किसी मापन अथवा मूल्यांकन का निरीक्षण स्थिरता का समतुल्य होना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 188, जल्दी से बताइए। देखिए कौन सा युग्म सही है, यहां पर ये होगा, अधिगम का ऐसा आर एस गुथराई सिद्धांत, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसका उत्तर बी होगा। ठीक, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? जवाब दीजिए कमेंट करके। अगर ऐसा लगता है तो आप क्या करेंगे? अगर अचानक आपको ऐसा लगता है कि बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाना जारी रखेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, कारण जाने की कोशिश करेंगे, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे? ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। अगला, संवेगों की उत्पत्ति होती है, संवेगों की उत्पत्ति होती है, ये मूल प्रवृत्ति है। संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बनती हैं। इसकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों के कारण होती है। एक शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है बताइए? प्रश्न पत्र तैयार करना, कक्षा अनुशासन बनाए रखना गलत, गृह कार्य करवाना गलत, ये गलत, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना ठीक। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कैसे, जब यदि कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे, अधिगम प्रक्रिया में यदि छात्र पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहा है, पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या। ऐसी में शिक्षक को समस्या का जानने का कारण करना चाहिए, पता करने का, फिर उसे समाधान करने के प्रयास करना चाहिए। ठीक, ये इनमें से ये सारे विकल्प गलत होंगे। अच्छा यहाँ पे, हाँ समस्या जानने की कोशिश करेंगे ना, ये जानने कारण जानने का बात, ये होगा, ये डी होगा, डी 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 जानने का प्रयास करेंगे, डी होगा, डी 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 189 का डी होगा। ठीक, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, ठीक, तो तेजी चक्कर में भूल गए, थोड़ा तेजी से पढ़ाने चक्कर में ना आप लोग की वजह से भूल जा रहे हैं हम भी। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? 192, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। देखिए, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? 192 बताइए। व्यक्तिवाद, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, बालक के ज्ञानात्मक पहलू को सजीवतावाद, यथार्थवाद, आत्मकेंद्रता पाई जाती है, किंतु व्यक्तिवाद का भाव होता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, यहां पर नहीं पूछा है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता, इसलिए यही सही है। ठीक, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जहां पे ए और बी दोनों आ जाए, उपरोक्त सभी आ जाए, ऐसा विकल्प 80% सही होता है। मिश्रित विधि विचार साक्षर विधि है, ठीक है, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग किया था? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग दुर्गेश पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, या ऑफिस का नंबर है। मेरे द्वारा क्लास आपके लिए निःशुल्क देश हित में, राष्ट्रहित में चलाई जाती है। टेट, सीटेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, एमपी टेट, रीट, उत्तराखंड टेट, सभी के लिए नोट्स आपको घर बैठे एनसीईआरटी पैटर्न पर मिल जाएंगे। पावलोव ने बहुत ही आसान 194 बताइए कुत्ते पर किया था। सीखने की अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग किया था। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य एक साचर स्थापित होता है। सीखने का वक्र क्या है बताइए?
सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए सीखने का वक्र क्या होता है। बताइए सभी लोग, ये प्रगति का सूचक होता है भैया, ये क्या होता है? ये प्रगति का सूचक होता है, ये क्या होता है? प्रगति का सूचक होता है। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। व्यक्तिगत भिन्नता का, क्योंकि सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, सीखने की क्षमता की सबकी अलग अलग होती है, इसलिए हम इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगला, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? निम्न में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? सृजनशीलतावाद, ये अधिगमकर्ता को नए विचार या रचनाओं को पैदा करना, उन्हें खोलने का भरपूर अवसर प्रदान करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वो कर रहा है, कर रही है, क्या होगा? सभी लोग फटाफट बताइए, अगर प्रश्न को देखा जाए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। सीखने के लिए आकलन क्या होगा? सीखने के लिए आकलन होगा, मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो होगा इस प्रश्न के आधार पर होगा, वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ठीक, अगला, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख कान हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इंद्रजनित गामक स्तर होता है, इंद्रजनित, जैसे इंद्रजनित गामक स्तर पर एक वर्ष तक के शिशु आंख कान हाथ से सोचते हैं, वे हाथों से चीजों को इधर उधर करके, चीजों को पहचान कर, किसी ध्वनि को सुनकर चिंतन प्रभाव प्रारंभ कर देते हैं, किंतु वह चिंतन अधिक वास्तविक नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अब होगा ये आखिरी प्रश्न, ये आज 200 प्रश्न ही हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद की सीरीज हम लोग कल 9:30 बजे पढ़ लेंगे, ठीक है? इसके लिए दूसरा चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल उस पर हम लोग 9:30 बजे लर्निंग विद दुर्गेश पर क्लास पढ़ लेंगे। सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है? तो जैसे ही सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे, सभी चीज़ें निःशुल्क आपको मिलती रहेंगी। ऑनलाइन क्लास से या नोट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद से चलती है, पूरी तरह से जो निःशुल्क है मेरे द्वारा। शिक्षक भर्ती यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, रीट, केवीएस, यूपी टेट, उत्तराखंड, सभी की नोट्स क्लास आपको यहाँ पर उपलब्ध होती रहेगी। फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं इलनी विद दुर्गेश है, इंस्टाग्राम ट्विटर इलनी दुर्गेश है, ठीक है? कल हम लोग देखते हैं कौन सा क्लास और करा देना है, हो सकता है प्रयास करेंगे अन्य विषय को कराने का, आर्ट और साइंस का सेशन हम कर लेना चाहेंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी है? बताइए, मेरा परिवार, ठीक, यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से क्या होगा? देखिए मेरा सर फटने लगा कि लगातार मैं चिल्ला रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने लगातार क्लास ली है ना, तो 5 बजे से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी साथी, कई क्लासेज हो चुकी हैं, 3 क्लासेज हो चुकी हैं लगातार, 3-3, 4-4 घंटे की, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों को, और ये निःशुल्क क्लास है देश हित में, राष्ट्र हित में। मैं आपको चाहूँगा आप लोग अपना बेहतर देते रहे, मैं 3 बार सीटेट क्वालीफाई हुई, 4थी बार फिर मुझे आपके साथ क्वालीफाई करने का मौका मिलेगा। आप लोग अपना बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। नर्सरी कक्षा शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार सबसे बेस्ट होता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। एक और चैनल स्टडी विद दुर्गेश सर, उसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि क्लास और उत्तर कुंजी आप लोग को वहीं पर प्राप्त होती है, ठीक है? जी, जौनपुर में इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा जौनपुर में कहाँ से ई लर्निंग विद दुर्गेश। और मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना समय निकाल कर आपको अपना बेस्ट देता हूँ, निःशुल्क पढ़ाता हूँ, ताकि आप भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा की हो गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सर फटा जा रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को, शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक,
जय हिंद जय भारत। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, फेसबुक पे सभी साथियों को सूचित करिएगा। कल क्लास और बेहतर होने वाली है, अंतिम दर्शन क्लासेस चलेंगी खाली। बाय बाय। चलिए कोई बात नहीं, जौनपुर शैम भी है, टीडी काले गेट के पास और अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में वेद कॉन्वेंट स्कूल। वीडियो को शेयर करेंगे ना आप लोग? और चलाते लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही, यही क्लास होता तो मैं पढ़ा देता, लेकिन कई क्लास मैंने पढ़ा लिया ना, इसीलिए ये फेसबुक पे भी चल रही है, यूट्यूब पे भी, सभी जगह निःशुल्क, राष्ट्रहित में, देश हित में। शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस पे जगह दे दीजिएगा इस वीडियो को। अब बाय बाय। टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश। अच्छा, मुझसे कोई व्यक्तिगत क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर है, इलर्निंग विद दुर्गेश, और वो दोनों है। कल पूरा दिन क्लास चलेगी, कल लगभग आपका पूरा दिन। ठीक, बाय बाय। चलिए, जय हिंद जय भारत। अब हम चलते ही, जा दीजिएगा, बहुत देर से क्लास चल रही है, लंबी क्लास, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है।